सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। टुडे इज अ कम्प्लीट नॉवल नेम्ड एज एक दुआ ने बचा लिया बाय निकत अब्दुल्ला। सो लेट्स स्टार्ट इट। इतनी थकन के बावजूद वह सारे फैलावे समेटने में लग गई। अम्मी ने कहा भी कि सुबह कर लेंगे, लेकिन वो नहीं मानी क्योंकि सुबह उसका जल्दी उठने का कोई इरादा नहीं था और वो ये भी नहीं चाहती थी कि अम्मी अकेली सब समेटती फिरें। इसीलिए वो इस वक्त तक अपने बिस्तर में नहीं गई जब तक सब समेट कर बरामदे से आंगन तक सब साफ सुथरा नहीं कर दिया। और जब अपने बिस्तर पर लेटी तो हकीकतन उसकी चीख निकल गई थी। शायद अकड़ी हुई कमर को सीधा करने में तकलीफ हुई थी। इसके बाद वो लिहाफ में मुंह छुपाकर हंसने लगी। ये उसकी आदत थी कि किसी भी गैर इख्तियारी हरकत पर वो बे इख्तियार हंसती थी, ख्वाह उसमें हंसने का कोई पहलू ना हो। बहरहाल इतने दिनों से घर में भाई जान की शादी का हंगामा था और आज वलीमे की तकरीब पर गोया इस हंगामे का इख्तिताम हुआ था। इसलिए वो सारे घर का काम निपटा कर अब इस इत्मीनान से लेटी थी कि सुबह अपनी मर्जी से उठेगी। और उसकी सुबह दोपहर 12-1 बजे से पहले मुमकिन नहीं थी क्योंकि सोने में 3 तो बज ही गए थे। रूमी, अरे रूमी जल्दी उठो। 8 बजे ही छोटे भाई ने उसके सर से लिहाफ खींच कर झंझोड़ा तो वो चीख पड़ी, क्या मुसीबत है, मैं नहीं उठ रही। उसने दोबारा मुंह छुपाना चाहा लेकिन छोटे भाई ने सारा लिहाफ खींच लिया। भाई कसम से मैं रात 3 बजे सोई थी, बहुत थकी हुई हूँ, थोड़ी देर और सोने दें। वो नींद से भरी आंखों को बंद करती खोलती आजिजी से बोली, भाई की जिंदगी खराब करके खुद चैन से सोना चाहती हो, हरगिज नहीं। छोटे भाई ने पता नहीं क्या कहा, उसकी नींद भग से उड़ गई। क्या क्या कहा आपने, किसकी जिंदगी खराब की है मैंने? भाई जान की दुल्हन तुमने पसंद की थी ना? हाँ, और भाई जान बहुत खुश हैं, कल देखा नहीं था कैसे इतरा इतरा फिर रहे थे, उसने फौरन एतराफ के साथ कहा। तो छोटे भाई मुंह बनाकर बोले, खुश? बेचारी सूरत देखकर खुश हो गए होंगे। जी नहीं, आदत की भी बहुत अच्छी है भाभी, पूरा 1 साल तक उनके यहाँ आना जाना रहा है और उनकी सूरत से ज्यादा मुझे सीरत ने मुतासिर किया था। जब ही मैंने अनीस भाई के लिए उन्हें पसंद किया, अगर मगरूड नकचुड़ी होती तो मैं कभी अम्मी को लेकर ना जाती, वो उनकी बात से इख्तलाफ करते हुए बोली। तुम्हारा मतलब है मैं गलत कह रहा हूँ? छोटे भाई के गुस्से पर वो आदत के मुताबिक हंसते हुए बोली, मुझे तो अब तक ये पता नहीं चला कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि भाभी बेगम इंतहाई मगरूड नकचुड़ी और जाने क्या कुछ है, ये एक ही दिन में आपको उनके बारे में इतना कुछ कैसे पता लगा, जबकि आपकी तो अभी उनसे बाकायदा मुलाकात भी नहीं हुई, हो चुकी है अभी अभी, छोटे भाई जलकर बताने लगे। खातून अम्मी के साथ किचन में खड़ी थी, मैंने सलाम किया तो इंतहाई नरूठेपन से जवाब दिया। फिर मैंने कहा, भाभी आपके तो ये दिन ऐश करने के हैं, यहाँ किचन में क्या कर रही हैं? उस पर इंतहाई नागवारी से बोली, तुम अपने काम से काम रखो। नहीं भाई, उसे यकीन नहीं आया। हाँ बहन, जाओ उनका यह असली रूप तुम भी देख लो। उनके अंदाज पर फिर हंसी और लिहाफ खींच कर अपने ऊपर डालते हुए बोली, अब जब सारी जिंदगी ही देखना है तो कुछ देर ना देखना अच्छा। छोटे भाई उसके लिहाफ पर जोरदार घूंसा जमाते उठकर चले गए। उसकी नींद उड़ चुकी थी लेकिन लिहाफ की गर्मी से कुछ देर में सो भी गई। फिर दोपहर में अम्मी के उठाने पर भी वो नहीं उठी। उसके बाद जब भाभी ने बहुत प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेर कर उठाया तो वह ना सिर्फ उठ गई बल्कि बहुत हैरान होकर उन्हें देखने लगी थी। इस तरह क्या देख रही हो भाई, तुम ही तो इतनी चाह से मुझे भावच बनाकर लाई हो। भाभी की नरम और धीमी मुस्कुराहट पर उसने बेइख्तियार उनके गले में बाजू डाल दिए। मैं यकीन कर रही थी कि आप वाकई इस घर में आ चुकी हैं, अब आ गया यकीन, भाभी ने उसकी थोड़ी छू कर कहा तो वह झीप कर हंस पड़ी। चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर ड्राॅइंग रूम में आ जाओ क्योंकि खाना लग चुका है, बस अभी आई, वो चुटकी बजाती उठ खड़ी हुई। ड्राइंग रूम में एक सिर्फ छोटे भाई मौजूद नहीं थे और उनके गैर मौजूदगी उसने फौरन यूं महसूस की कि उनकी सुबह वाली बातें सोचती आई थी जिनकी अभी नफी हो गई थी, जिनसे वो यही समझी कि उन्होंने उसके साथ मजाक किया है। और क्योंकि उसका छोटे भाई से मजाक चलता रहता था इसीलिए वो हंस हंस कर सबको बताने लगी, सच अम्मी छोटे भाई ने तो मुझे डरा ही दिया था, ऐसा खौफनाक नक्शा खींचा भाभी का और इंतहाई संजीदगी से, मुझे ज़रा भी शक नहीं हुआ कि वो मजाक कर रहे हैं।
वो मजाक नहीं कर रहा था, मैं वाकई खौफनाक हूँ, भाभी ने मुस्कुरा कर कहा। खौफनाक होती तो जब आप मुझे उठा रही थी तब मैं आपको देखते ही चीख मार कर बेहोश हो जाती। इसके बरअक्स मुझे लगा जैसे मैं परियों के देश में आ गई हूँ। उसने पूरी ईमानदारी से भाभी की तारीफ की। यूं भी वो बहुत पहले से उनकी गर्विदा हो चुकी थी। 1-1.5 साल पहले जब उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो वहाँ सबसे पहले उसकी आसमा से दोस्ती हुई थी, जिसका घर कॉलेज के करीब ही था। और आसमा के इसरार पर एक रोज़ वो उसके घर गई तो उसकी बाजी शबनम को देखकर उसे लगा था जैसे वो किसी और खूबसूरत दुनिया की बासी हो। गुलाबी रंगत पर सुबक सा नाक नक्शा, उस पर धीमी लहजे में बात करना, वो तो उसी वक्त उनकी दीवानी हो गई थी। और फिर सिर्फ उन्हें देखने और उनसे बातें करने के शौक में वो अक्सर कॉलेज से निकलती तो आसमा के साथ उसके घर चली जाती। इस वक्त उसे ये ख्याल कभी नहीं आया था कि वो उन्हें अपनी भाभी बनाएगी। और जब भाई जान के लिए लड़की देखने का सिलसिला शुरू हुआ तो उस वक्त इत्तफाक से उसके फर्स्ट ईयर के इम्तिहान हो रहे थे, इसलिए उसे बस ये पता होता था कि अम्मी कहीं ना कहीं जा रही हैं। आपी ने भी अपनी ससुराल में 1-2 लड़कियाँ बताई थीं, अम्मी वो भी देख आईं। और एक रोज़ जब अम्मी और आपी सब देखी हुई लड़कियों में एक का इंतखाब करने बैठी थी तब अचानक उसे आसमा की बाजी का ख्याल आया था और वो उसी वक्त अम्मी को उनके घर ले गई। उसे यकीन था कि अम्मी ने अब तक जितनी लड़कियां देखी होंगी उनमें कोई एक भी शबनम जैसी नहीं होगी। और वाकई अम्मी ने ना सिर्फ उस बात का एतराफ किया बल्कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठी जब तक शबनम के लिए हामी नहीं भरवा ली थी। और वो ज़्यादा खुश यूँ थी कि जिन्हें देखने के लिए भाग भाग कर उनके घर जाना पड़ता था वो आप उसके घर में आ गई थी। शबनम भाभी का अभी भी वही अंदाज था, धीमे लहजे में बात करना और हमें वक्त एक नर्म मुस्कुराहट उनके लबों पर फैली रहती। हकीकतन बहुत मोहब्बत करने वाली थी और आते ही घर के काम काज में अम्मी का हाथ भी बटाने लगी थी। अम्मी लाख मना करती लेकिन उनका एक ही जवाब होता कि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अम्मी काम करें और वो आराम से बैठी रहें। बहरहाल इतनी नेक सीरत बहू से सभी खुश थे सिवाय छोटे भाई के। उन्हें अभी भी ये शिकायत थी कि भाभी उनसे सीधे मुँह बात नहीं करती, जिस पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था। और इस वक्त तो वो छोटे भाई से बाकायदा उलझ रही थी, आखिर आपको उनका अंदाज नरूठा क्यों लगता है भाई, जबकि मैंने तो कभी उनके होठों से मुस्कुराहट जुदा होते नहीं देखी। दोगली हैं वो, तुम्हारे सामने हंसती हैं और मुझे देखते ही पेशानी पर बल डाल लेती हैं, तुम कभी गौर करो तो पता चले। छोटे भाई सख्त शाकी थे। अच्छा अब मैं गौर करूंगी, लेकिन आप जानबूझकर कोई ऐसी बात ना कह दीजिएगा जो वाकई नागवार गुजरने वाली हो, उसने कहा तो छोटे भाई खुफकी से बोले, अरे मैं ऐसी कोई बात क्यों करूंगा, वो हमारी बड़ी भावच हैं, उनकी इज्जत और एहतराम मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। उम्र में मैं बेशक उनसे बड़ा हूँ लेकिन कहलाऊँगा छोटा ही देवर। अच्छा खामोश हो जाएं, भाभी आ रही हैं। भाभी को आते देख कर उसने धीमी आवाज़ में कहा, फिर फौरन उनकी तरफ मतवज्जा होकर बोली, आइए भाभी कभी हमारे पास भी बैठ जाया करें। इस वक्त नहीं बैठ सकती क्योंकि चूल्हे पर दूध रख कर आई हूँ, बस जल्दी से ये बताओ कि चाय के साथ तुम लोग कुछ खाना पसंद करोगे, भाभी बहुत उजलत से बोली तो वो छोटे भाई को देखने लगी। आप बताएं भाई। अरे भाभी जो खिला दें खा लेंगे, छोटे भाई ने कहा तो भाभी ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। अच्छी बात है अब बताइए। भाभी के जाते ही उसने छोटे भाई को टोका, उनके मुंह से फूल जड़ रहे थे या शोले निकल रहे थे। तुम्हारे सामने ऐसी हैं, कमाल करते हैं आप भी, वो दरमियान में बोल पड़ी। मेरी भला हैसियत ही क्या है वो मुझसे खाइफ होंगी, मुझसे तो आप ही के बच्चे भी नहीं डरते, जितना रोब डालने की कोशिश करती हूँ उतना सर चढ़ते हैं। तुम रोब डालने के साथ हंसती जो हो और बच्चों में बच्चा भी बनी रहती हो। बहरहाल आप भाभी को गलत समझ रहे हैं, जबकि उनके बारे में अम्मी का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि ऐसी नेक पाक पास और मोहब्बत करने वाली बहू किस्मत वालों को ही मिलती है, और इस मामले में अम्मी खुशकिस्मत तरीन खातून है। वो कहती हुई छोटे भाई के पास से हट गई थी। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए, वो अब छोटे भाई की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और ज़्यादा वक्त भाभी के साथ रहती, बल्कि भाभी खुद ही उसे अपने साथ लगाए रखती थी क्योंकि वो किचन के कामों में बिल्कुल अनाड़ी थी, एक चाय भी बनाती तो पूरा सामान फैला देती। और भाभी ने बहुत तरीके से उसे ट्रेन करना शुरू किया था,
खास तौर पर उससे कोई काम नहीं कहती थी, बस बातों बातों में कुछ न कुछ उसके हाथों में थमा देती। ये प्याज काट दो, मैं जब तक गोश्त धो लूं। उफ, तुम्हारे भाई जान तो आते ही खाना मांगेंगे, और अभी आटा भी गूंदना है। वो अपने आप आटा निकाल कर गूंदने लगती। नमाज का वक्त निकला जा रहा है, तुम जरा सालन भून दो रूमी, मैं नमाज पढ़कर आती हूँ। और उसे पता भी नहीं चलता था कि उसने खड़े खड़े इतने काम कर लिए हैं, वरना अम्मी तो ज़रा सा किचन में झांकने को कहती थी और वो साफ मना कर देती थी। असल में वो घर में सबसे छोटी थी, इसीलिए भी ज़रा लाडली थी। फिर एक तो उसके मजाज में शोकी के साथ कुछ लापरवाही थी, दूसरा हल्ला गुल्ला पसंद करती थी। जब आपी के बच्चे आते उस वक्त सारे घर में बस उसकी आवाज़ और कहकहे सुनाई देते थे। इस वक्त भाभी उस पर सालन भूनने की जिम्मेदारी डालकर नमाज पढ़ने गई थी कि आपी आ गई, और बच्चों की आवाज़ सुनते ही वो चूल्हा बंद किए बगैर भागी आई थी। खाला, मैं फर्स्ट आया हूँ, काशी ने उसे देखते ही चीख कर बताया। अरे वाह वाह, फिर तो मिठाई भी लाए होगी। वो काशी को उठाकर उसे गोल गोल चक्कर देती हुई उससे ऊंची आवाज़ में बोली, टॉफी लाया हूँ अच्छी वाली। काशी ने कहा तो वो एकदम रुक गई। हटो कंजूस, इतनी बड़ी खाला के लिए इतनी सी टॉफी, कितनी बड़ी? अकब से दुल्हा भाई ने उसकी चोटी को झटका देख कर कहा तो वो चीख पड़ी, आपसे बात नहीं कर रही। वाकई, फिर तो मेरी बचत हो गई, दुल्हा भाई ने खुशी का इजहार किया। चलो बच्चों, खाला हमारे साथ नहीं जा रही। कहाँ? उसने फौरन पूछा। तो दुल्हा भाई अनजान बनकर इधर उधर देखने लगे। मैं फर्स्ट आया हूँ ना खाला, अब्बू कह रहे थे हमें बहुत सारी सैर कराएंगे और मिठाई भी खिलाएंगे। काशी के बताने पर वो उछल पड़ी। हाँ तो मैं चल रही हूँ ना, बस अभी तैयार होकर आती हूँ। उसने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ देर बाद जब वो तैयार होकर अपने कमरे से निकली तो सारे किचन में धुआं फैला हुआ था और सब खांस रहे थे। फिर भी उसे याद नहीं आया कि वो सालन भूनने में छोड़ आई थी। खांसते हुए पूछने लगी, ये धुआं कैसा है? तुम्हारी कारिस्तानी है, जरा सा सालन नहीं देख सकती थी? कम से कम चूल्हा ही बंद कर देती। अम्मी ने उसे बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। चूल्हा बंद करने को तो नहीं कहा था भाभी ने, वो मुंह बसोर कर बोली। तुम्हें खुद अकल नहीं है? बस खाली खीख ही आती है या सैर सपाटे चाहिए तुम्हें? कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। अम्मी सख्त गुस्से में थी और उसका मूड भी खराब हो गया। वहीं से पलट कर अपने कमरे में बंद हो गई। फिर लाख काशी ने उसका दरवाज़ा पीटा। आपी ने कितनी बार आकर पुकारा लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। हालांकि उसकी नाराज़गी ज़्यादा देर की नहीं होती थी। पता नहीं इस वक्त क्या हो गया था जो वो कान बंद किए बैठी थी। फिर रात के खाने पर जब भाभी ने धमकी दी कि उसके बगैर वो भी खाना नहीं खाएंगी, तब दरवाज़ा खोलने के साथ ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। देखा कैसा परेशान किया सबको, तुम जानबूझकर परेशान कर रही थी, बहुत बुरी बात है। आप ही भी नाराज हो गई हैं, भाभी ने धीरज से सरजनिश की। अम्मी को नहीं देखा था आपने सबके सामने डांट कर रख दिया? गलत तो नहीं डांटा था? खैर चलो खाना खाओ। भाभी भी बात खत्म करती आगे बढ़ गई तो वो भी उनके पीछे चल पड़ी कि उनकी बात टालना इख्तियार में नहीं था, या शायद वो मौका ही नहीं देती थी। जाने कैसा जहर था उनकी शख्सियत में कि घर का कोई फर्द उनकी कैसी भी बात हो इख्तलाफ कर ही नहीं सकता था, यहाँ तक कि छोटे भाई भी नहीं, जो अभी भी उन्हें मगरूर और दोगली कहते थे, जिस पर वो पहले उनके साथ उलझ पड़ती थी और उधर कुछ अरसे से खामोशी इख्तियार कर ली थी। लेकिन उसे बुरा बहुत लगता था क्योंकि इस 6 माह में उसने तो भाभी में ऐसी कोई बात नहीं देखी थी। कभी अम्मी से ऊंची आवाज में नहीं बोली, ना उन पर कोई तनकीद की, और जब आपी आई तब भी उनकी पेशानी पर कोई बल नहीं आता था, बल्कि उनके बच्चों के काम भी कर देती थी। फिर पता नहीं छोटे भाई किस हिसाब से उन्हें ऐसा कहते थे। बहरहाल उनके कहने या समझने से घर में कोई रंजिश नहीं हुई थी, और शायद इसका क्रेडिट भी भाभी को जाता था जो छोटे की अक्सर उल्टी सीधी बातों को यकसर नज़रअंदाज कर देती थी। यूं ही कितने दिन गुजर गए। वो इम्तिहानों से फारिग हुई तो उस दिन आपी के घर जाने को तैयार हो गई, क्योंकि इतने दिनों से घर में कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ था और कहीं जाने का सवाल ही नहीं था। अब फारिग हुई थी तो आराम से बैठना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। पहले तो छोटे भाई कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते थे, लेकिन अब उनके पास वक्त नहीं था। वो अम्मी के सर हो गई कि उसे आपी के यहाँ छोड़ आए। वो कुछ दिन वहीं रहेगी और अम्मी को उसके जाने पर भी बाहर रहने पर जाने पर नहीं वहाँ रहने पर एतराज था। वहाँ रहने की कोई तुक नहीं है, बस शाम तक वापस आ जाना। क्यों वापस आ जाना? इतने दिनों बल्कि महीनों के बाद जा रही हूँ, आप ही भी नहीं आने देंगी? वह कहती हुई तैयार होने चली गई।
और जब वापस आई तो हाथ में बैग भी था, जिसे देखकर भाभी ताज्जुब से पूछने लगी, तो तुम वाकई वहां रहोगी? जी हाँ, क्योंकि अब माँ बदौलत की छुट्टियां हैं, वो इतरा कर बोली। छुट्टियों का ये मतलब तो नहीं है कि अपना घर छोड़कर? अरे भाभी, वो भी अपना घर है, वो उनकी बात काट कर बोली। दुल्हा भाई कोई गैर थोड़ी है, अपने चचाजात हैं। भाभी सर हिलाकर रह गई। आप ही से ज्यादा काशी और पिंकी उसे देखकर खुश हो गए, और जब उसने बताया कि वो कुछ दिन उनके पास रहेगी तो दोनों उछल उछल कर तालियां बजाने लगे। वो खुद भी उनके साथ मिल गई। यही बातें मांगती है ये, भला बताओ इतनी बड़ी होगी कोई देखे तो क्या कहे? अम्मी आप ही से कह रही थी, कोई इतनी बड़ी नहीं हुई, यही तो दिन होते हैं, फिर कहाँ जिंदगी में फुर्सत मिलती है? आप ही ने उसकी तरफ तारी में कहा, लड़कियों के ये दिन घरदारी सीखने के होते हैं। फिक्र नहीं करें, सीख जाएगी सब, अभी भी बहुत कुछ कर लेती है, एक सिर्फ खाना पकाना नहीं आता, कुछ दिन भाभी के साथ लगाते हैं तो इस काम में भी माहिर हो जाएगी। ये आप दोनों मेरे खिलाफ क्या साजिश कर रही हैं? वो धम से अम्मी और आपी के दरमियान गिरती हुई बोली। अम्मी कह रही हैं अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। आपी ने उसके पहलू में चुटकी काट कर कहा तो वो उछल पड़ी, जी नहीं, पहले छोटे भाई की होगी, वो बड़े हैं मुझसे। भाई जान भी मुझसे बड़े थे, लेकिन पहले मेरी हो। कुछ भी हो मैं नहीं करूंगी, वो लापरवाही से कहती हुई उठकर पिंकी के पीछे भाग गई। फिर शाम में जाते हुए अम्मी उसे बहुत ताकीद कर गई थी कि दो दिन के बाद वो आपी और दुल्हा भाई के साथ आ जाए, वरना वो छोटे भाई को भेज देंगी, और उसने कोई तकरार नहीं की थी। अलबत्त उनके जाने के बाद काशी और पिंकी को समझा दिया था कि जब भी वो जाने की बात करे दोनों ने रो रो कर घर सर पर उठा लेना है, इस तरह वो बहुत सारे दिन उनके पास रहेंगी और बच्चे तो चाहते हैं यही थे। ये नहीं था कि वो अपने घर से फरार चाहती थी, बस इतने दिनों से जो इम्तिहान हुए थे उनसे निकलकर अब वो कुछ दिन इंजॉय करना चाहती थी, बल्कि थोड़ी अय्याशी, जिसकी घर में इजाज़त नहीं थी, यानी VCR, और उसे जितना घूमने फिरने का शौक़ था उतना ही फिल्में देखने का। उसे घर में पहले तो भाईजान VCR के खिलाफ थे, मजीद भाभी उनसे दो हाथ आगे निकली कि वो TV प्रोग्राम भी नहीं देखती थी, और यहाँ ऐसा कोई किस्सा नहीं था। आप ही भी उसके शौक से वाकिफ थी, इसीलिए रात में जब सोने जाने लगती तो उसे एक फिल्म लगाकर दूसरी थमाकर गई थी, और वो दोनों फिल्में देखकर सोई थी, इसलिए अगले दिन दोपहर तक सोती रही। पता नहीं आप ही ने उसे उठाया था या यहीं उसकी आंख बेल की आवाज़ पर खुली थी। जाने कौन था जो ये भी नहीं जानता था कि बटन दबाकर हाथ हटा लेना चाहिए। उसने पहले लेटे लेटे आपी को दो बार आवाज़ें दी, जवाब नहीं आया तब बेहद झुंझुला कर गेट पर आई, ए मिस्टर। दूसरी सिम देखते शख्स को उसने इंतहाई बदतमीजी से जवाब मुखातिब किया, जिसकी उंगली अभी भी बेल के बटन पर थी। आवाज़ पर फौरन उसकी तरफ मतवज्जा हुआ तो वो मजीद गोया हुई, हुलिये से तो पढ़े लिखे शरीफ आदमी नजर आ रहे हैं, फिर ये क्या हरकत है? जी वो समझा नहीं, बराए मेहरबानी बटन पर से उंगली हटा लें, मुझ समेत तमाम मोहल्ले वाले जाग गए हैं, उसने हनूज साबका अंदाज में कहा तो वह सटपटा कर हाथ नीचे गिराता हुआ बोला, ओह सॉरी। सारी नींद खराब करके रख दी, और खैर किससे मिलना है? आजर साहब का घर यही है, वो उसके अक्खड़ लहजे से परेशान हो गया था, यही है, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं है, शाम में आइएगा। अपनी तरफ से वो बात ख़त्म करके गेट बंद करना चाहती थी कि वो फौरन बोल पड़ा, एक मिनट प्लीज़, आप उनकी मिसेस? क्या वो धाड़ी, मैं आपको मिसेस नज़र आती हूँ, और वो भी आज़र भाई की, शर्म नहीं आती? I am so sorry, आप प्लीज़ किसी और को बुला दें, और कोई होता तो मुझे गेट खोलने आना पड़ता, लेकिन आज़र साहब ने तो मुझे इसी वक्त बुलाया था। वो घड़ी देखता हुआ यूं बोला जैसे उसकी बात का यकीन न कर रहा हो, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वो अपना लहजा बदलने पर तैयार ही नहीं थी। उस शख्स ने सर तपा उसे देखा, फिर जरा से कंधे उचका कर बोला, ओके वो आए तो? उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि इस वक्त दुल्हा भाई की गाड़ी आकर रुकी थी। आ गए आज़र भाई, वो कहती हुई अंदर आ गई, और मुंह हाथ धोते हुए उसे आपी का ख्याल आया, और ये कि वो कहीं नजर नहीं आई। रोमीला रूमी, दुल्हा भाई पुकार रहे थे। वो जल्दी से नल बंद करके वॉशरूम से निकल कर आई तो पूछने लगे, तुम्हारी आपी नहीं आई अभी तक, कहाँ कहीं है? वो उल्टा उनसे पूछने लगी, बच्चों को स्कूल से लेने गई होंगी?
मुझे अकेला छोड़कर, और वो भी सोता हुआ। अगर कोई आकर मुझे कत्ल कर देता तो इस वक्त मेरी लाश पड़ी होती। उफ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मुझे अभी घर छोड़कर आए, वो एकदम से तसव्वुर करके बोलने लगी थी। अगर तुम फौरन खामोश नहीं हुई तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। दुल्हन भाई ने डांट कर उसे चुप कराया, फिर कहने लगे, एक शरीफ आदमी से बदतमीजी से पेश आकर तुमने जाहिल और गवार होने का सबूत दिया है। जी नहीं, मैं कोई जाहिल गवार नहीं हूं, बल्कि वो है जिसे आप शरीफ आदमी कह रहे हैं। वो रूठे हुए लहजे में बोली, शट अप, खबरदार जो आपी को आते देखकर वो भागकर उनसे लिपट गई। दुल्हा भाई को देखें किस तरह मुझे डांट रहे हैं, मेरे मेहमान होने का ख्याल भी नहीं कर रहे। लीजिए, ये मेहमान हो गई, छोड़ो इसे और जल्दी से खाना लगाओ, मेरा मेहमान आ चुका है। दुल्हा भाई कहते हुए ड्राइंग रूम में चले गए तो आपी उसे खुद से अलग करते हुए बोली, जाओ तुम काशी और पिंकी का यूनिफॉर्म चेंज कराओ, मैं खाना लगाती हूँ। चलो, वो दोनों बच्चों को लेकर उनके कमरे में आ गई और उनके कपड़े निकालते हुए अपने आप बुड़बुड़ाती भी जा रही थी। दुल्हा भाई पर गुस्सा आ रहा था और उनके मेहमान पर भी कि मजीद उसने शिकायत लगाई होगी। फिर बच्चों को डाइनिंग रूम में भेजकर वो खुद किचन में चली आई। आपी ने बुलाया भी, लेकिन वो उनके साथ खाने में शरीक नहीं हुई। ये उसकी नाराजगी का इजहार था और उसे मनाने के लिए शाम में दुल्हा भाई को घुमाने ले जाना पड़ा। तब कहीं उसकी नाराजगी दूर हुई थी और मूड खुशगवार हुआ, तो वो मजे ले लेकर आपी को दोपहर का वाक्य सुनाने लगी। बहुत बुरी बात है, इतने महजब आदमी से तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, पता नहीं क्या सोचते होंगे वो। आपी ने सारी बात सुनकर कहा तो वो लापरवाही से बोली, जो चाहे सोचे, हमें क्या। हमें क्या नहीं रूमी, वो आजर के बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, मैं उनके घर जा चुकी हूँ। उनकी अम्मी और बहन का इखलाक इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकती। ओफो आपी, मुझे किसी के इखलाक का क्या पता, मैं तो बेल की मुसलसल आवाज से झुंझुला गई थी। खैर छोड़े, ये बताए आज कौन सी फिल्म दिखा रही है। वो मौजू बदल गई, सब वही रखी हैं, जो चाहे देख लेना, लेकिन एक, वरना फिर सुबह उठोगी नहीं। आपी आखिर में सरजनिश करती चली गई। अगले रोज शाम से पहले ही छोटे भाई उसे लेने आ गए तो उसके इशारे पर काशी और पिंकी ने रोना और मचलना शुरू कर दिया। खाला नहीं जाएंगी, खाला नहीं जाएंगी, किसने कहा कि मैं जा रही हूँ, मामू तो ऐसे ही तुम लोगों से मिलने आए हैं, क्यों छोटे भाई, उसने बड़ी चालाकी से बच्चों को अपने साथ लिपटाकर कहा। हाँ हाँ, मैं तो ऐसे ही। छोटे भाई को भी बच्चों का रोना गवारा नहीं था, फौरन उन्हें बहलाया और जब वो मुतमईन होकर अपने खेल में लग गए तब छोटे भाई उससे कहने लगे, चलो रूमी, एक तुम्हारे ना होने से घर बहुत खाली खाली लगने लगा है, बहुत बोरियत हो रही है यार, बात करने को कोई नहीं मिलता, अम्मी पता नहीं किन कामों में उलझी रहती हैं और भाभी के मिजाज नहीं मिलते। आपको तो पता नहीं भाभी से क्या दुश्मनी है, एक तो वो आपका ख्याल रखती हैं, वक्त पे वक्त चाय और खाने के औकात भी आपके सबसे अलग हैं, वो गर्म करके देती हैं। अच्छा बस चलो तुम, छोटे भाई ने टोक दिया। बस किसी न किसी तरह बच्चों को बहलाकर उसे घर लाने में कामयाब हो गए थे। और वो आई तो मुंह फुलाकर थी, लेकिन आगे भाभी ने इतनी मोहब्बत से गले लगाया कि वो खुश हो गई और उनके पीछे खड़े छोटे भाई को देखकर कहने लगी, इतनी मोहब्बत करती हैं भाभी आप, फिर भी इतनी मोहब्बत करती हैं भाभी आप, फिर भी कुछ लोग आपसे नाराज रहते हैं। कौन कौन नाराज रहता है मुझसे, भाभी ने फौरन पूछा। तो छोटे भाई के बुरी तरह घूरने पर वो सटपटा गई, कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, भला आपसे कोई नाराज हो सकता है। फिर आने वाले दिन उसके लिए भी बोरियत लेकर आए, क्योंकि भाभी की तबीयत गिरी गिरी रहने लगी। वो माँ बनने वाली थी और इब्तदाई दिनों में एक तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ आराम का मशवरा दिया था, दूसरा अम्मी भी डॉक्टर बनी हुई थी, शायद पोते की खुशी सुनकर बौखला गई थी, जो उन्हें पलंग से उतरने ही नहीं देती थी, मजीद उसे भी ज्यादा उनके पास बैठने से मना करती। उसे पहले ही चक्कर आते हैं, तुम्हारी बातें और चकरा देती होंगी, और भाभी से ज्यादा वो चकरा गई थी। सारा दिन बुलाई बुलाई फिरती, कोई हलचल जो नहीं थी, ना कहीं आना जाना, और उसने इम्तिहानों से निपटते ही सोचा था कि अब आगे नहीं पढ़ेगी, लेकिन अब शिद्दत से रिजल्ट की मुंतजिर थी ताकि दोबारा कॉलेज ज्वाइन कर सके। एक एक करके उसे अपनी सारी सहेलियां याद आ रही थी, जिन्हें जब वो आखिरी पेपर देकर निकली थी तो हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह आई थी। इस वक्त वो बज़ाहिर टीवी पर नजरें जमाई उन्हीं के बारे में सोच रही थी, जबकि भाईजान बड़े इनहमाक से खबरनामा सुन रहे थे
कि फौरन छोटे भाई ने आकर उन्हें मुखातिब कर डाला। भाईजान, मैंने आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उनमें एक कॉपी ओरिजिनल चली गई है। हाँ, वो मेरे ब्रीफ केस में लगी है, ले लो। भाईजान उनसे कहकर दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गए। फिर गालिबन ख्याल आने पर उससे कहने लगे, देखना रूमी, छोटे भाई से कहो ब्रीफ केस में ना मिले तो दराज में देखे। क्या चीज़? वो चौंक कर बोली। छोटे भाई को पता है, जाओ, वो मेरे कमरे में होगा। अच्छा जी। वो फौरन लॉन से निकल कर भाई जान के कमरे तक आई कि भाभी की आवाज़ ने उसके कदम दरवाजे पर ही रोक लिए। वो शायद छोटे भाई से मुखातिब थी। तुम इस तरह मुंह उठाए अंदर क्यों चले आए हो? दस्तक नहीं दे सकते थे? जाओ, जो भी काम है रूमी से कहो। मुझे अपने कागजात लेने हैं, जिनका रूमी को पता नहीं है। एहसास तोहीन से छोटे भाई की आवाज़ सख्त हो गई। मैं ये सब नहीं जानती। भाभी का हर दर्जे नरूठा अंदाज वो पहली बार महसूस कर रही थी, जबकि छोटे भाई अव्वल रोज से कह रहे थे। वो हैरान होकर दरवाजे को देखने लगी, जिसे एकदम खोल कर छोटे भाई गुस्से में निकले और उसे देखकर सर झटकते हुए आगे बढ़ गए। तो उसकी समझ में नहीं आया कि उनके पीछे जाए या भाभी के पास जाकर उनके तल्ख रवैये की बाबत पूछे। इसी शशोपंच में खड़ी थी कि भाभी निकल कर आ गई। अरे रूमी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ, अंदर आओ। भाभी ने मोहब्बत से उसका हाथ थाम कर कमरे में ले जाना चाहा, तो वो एकदम उनका हाथ झटक कर बोली, छोटे भाई को तो निकाल दिया आपने। निकालूंगी क्यों? अलबत्ता कमरे में आने के आदाब बताए हैं। भाभी अपने रवैये पर जरा भी शर्मिंदा नहीं थी। अब आप उन्हें आदाब सिखाएंगी? वो भाई की मोहब्बत में उनसे शाकी हो रही थी। मेरा ख्याल है वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और आपसे ज्यादा जानते हैं। मुझे इससे इनकार नहीं है रूमी, और मैं अपने रवैये पर भी शर्मिंदा नहीं हूं। भाभी आहिस्ता से कहकर दोबारा कमरे में चली गई थी। कितनी अहमक हूं मैं, हमेशा छोटे भाई को झुटलाती रही हूं। कभी भूले से भी भाभी को आसमाने का ख्याल नहीं आया कि आखिर छोटे भाई किस हिसाब से उन्हें दोगला कहते हैं। वो है ही दोगली, सबके सामने कैसी मासूम फरिश्ता बनी रहती हैं। वो उसी वक्त से ना सिर्फ मनफी सोचों में घिर गई, बल्कि उसका भाभी से इख्तलाफ भी शुरू हो गया था, जबकि भाभी के सबके रवैये में कोई फर्क नहीं आया था। उसी तरह उसका ख्याल रखती और वही मोहब्बत भरा अंदाज था, जिसे वो महज दिखावा समझने लगी थी। और किसी किसी वक्त ये भी जरूर सोचती कि आखिर उन्हें दिखावा करने की जरूरत क्या है। बहरहाल अपनी अपनी सोचों के साथ वो भाभी से खिंची खिंची भी रहने लगी थी और कुछ जिद में आकर उनकी हर बात का उलट भी करने लगी थी। जिस पर कई बार अम्मी ने उसे टोका, लेकिन उसे कोई ध्यान नहीं दिया। अपने तई वो छोटे भाई का बदला लेकर खुश हो रही थी, और ये नहीं था कि भाभी ने उसकी तब्दीली महसूस नहीं की थी। बहुत दिन तक वो सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज करती रही कि शायद उसे खुद एहसास हो जाए, लेकिन वो कुछ हद से गुजर रही थी और इसमें नुकसान भी उसका अपना ही था। भाभी अगर चाहती तो बड़े आराम से मुझे क्या सोच सकती थी, लेकिन उनकी नज़र में वो अभी कुछ नासमझ नादान थी, और उसे समझाना अपना फर्ज समझते हुए उस रोज़ भाभी उसके पास आ बैठी खास इसी मकसद से। वो इस वक्त टांगे फैलाकर लेटी हुई कोई फिल्मी मैगजीन देख रही थी। भाभी की आमद का कोई नोटिस ही नहीं लिया, ना कोई लिहाज के टांगे समेट ले। तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? भाभी ने उसे मतवचा करने की गर्ज से पूछा, तो वो मैगजीन से नजरें हटाए बगैर बोली, पता नहीं, मुझे लगता है तुम्हारा आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। भाभी ने कहा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि यूं रही जैसे सुना ही नहीं। तब कुछ इंतजार के बाद भाभी ने उसके हाथों से मैगजीन ले लिया और एक तरफ रखती हुई बोली, पढ़नी ही है तो कोई अच्छी किताब पढ़ो। ये फिल्मी मैगजीन क्या सिखाते हैं, बेहयाई, बेशर्मी और जी नहीं। वो दरमियान में बोल पड़ी, किताबें अच्छा बुरा कुछ नहीं सिखाती, इंसान जिंदगी के तजर्बात से सीखता है, तब वक्त गुजर चुका होता है। इसलिए क्या ये बेहतर नहीं है कि हम दूसरों के तजर्बात से सीख लें? आपने क्या कुछ सीख लिया है जो अब मुझे सिखाना चाहती हैं? उसकी तंजिया मुस्कुराहट भाभी अक्सर नज़रअंदाज कर गई। मैं क्या सिखाऊंगी? और कुछ नहीं तो ससुराल वालों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका तो सिखा ही सकती हैं। उसके बगैर किसी लिहाज के कहने पर भाभी तासुब से उसे देखने लगी, तुम बहुत मामूली बात पर मुझसे मुतनफ़िर हो रही हो रूमी, और सिर्फ भाई की मोहब्बत तुम पर गालिब है। अगर गैर जानिबदारी से सोचो तो तुम्हारी समझ में आएगा कि मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। छोटे भाई को इस तरह मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था, और अगर मैंने टोक दिया तो कौन सा गुनाह किया?
अलबत्ता ना टोक कर जरूर गुनाहगार होती। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इनमें हमेशा एक हद कायम रखनी चाहिए, वरना इनकी पाकीज़गी कायम नहीं रहती। मुझे छोटे भाई से कोई बुगस नहीं है, ना ही खुदा ना ख्वास्ता मैं उनके बारे में गलत सोच सकती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, मेरी इज्जत करते हैं, और गो के मेरे दिल में भी उनके लिए बिल्कुल छोटे भाइयों जैसी मोहब्बत है, लेकिन वो मेरे भाई नहीं है। और ये बात मुझे अपनी ज़िंदगी के किसी तजर्बे ने नहीं सिखाई, बल्कि सबसे अच्छी किताब ने सिखाई है कि देवर ना महरम होता है, उससे दूर ही रहना चाहिए। मैं तुम्हारी बात से 100% मुत्तफिक हूँ, और मैंने छोटे भाई को तो कुछ नहीं कहा, बल्कि इस रिश्ते को। छोड़ें भाभी, अब आप लाख बात को घुमाएं, लेकिन मतलब यही है, आपको छोटे भाई से बात नहीं करनी, ना करें। ऐसे मफरूज़े बयान करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो कम फहम थी और समझने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। ये मफरूज़ा नहीं है रोमी, क्या तुमने खुदा के लिए? उसने भाभी की पूरी बात नहीं होने दी थी और हाथ जोड़कर बोली, बख्शे मुझे, आपके तकिया नुसी ख्यालात से मुझे कोई इस्तफादा नहीं करना, और बेफिक्र रहें, मैं आपके किसी मामले में दखल नहीं दूंगी। मुझे तुम्हारी मुदाखलत का कोई खदशा नहीं है, भाभी कहती हुई उठकर चली गई। खदशा नहीं था तो सफाई पेश करने क्यों आ बैठी थी? वो अपने आप बुड़बुड़ाने लगी थी। उसका रिजल्ट आया तो महज बोरियत और यकसानियत से छुटकारे की खातिर उसने थर्ड ईयर में एडमिशन ले लिया और कॉलेज जाने आने लगी। हालांकि उसे पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं था और घर में पाबंद रहना तो और भी बुरा लगता था, इसलिए मजबूरन पढ़ने का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था उसे कॉलेज ज्वाइन किए हुए कि घर में उसके खिलाफ साजिशें होने लगी, जिसमें आपी और दुल्हा भाई पेश पेश थे। उसे जिस रोज़ थोड़ी सी सुन गुन मिली, वो उसी रोज़ कॉलेज से सीधी आपी के घर चली गई। ये आजकल आप अम्मी को क्या पट्टी पढ़ा रही हैं? उसने छूटते ही आपी को घेर लिया। ईमान से रूमी, बहुत अच्छा प्रपोजल है, खबरदार मना नहीं करना। आपी से खुशी संभाली नहीं गई और फिर वो उसे बताते हुए तंबीह करने लगी, मना तो जब करूँगी जब कोई मुझसे पूछेगा, और मुझे यकीन है कोई भी मुझे इतनी अहमियत नहीं देगा, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ कि इतना तो मालूम कर लूँ कौन है, कैसा है, खूबसूरत भी है या तुमने देखा है उसे? आपी ने फौरन कहा, और उसने भी फौरन पूछा, कब कहाँ? जब तुम यहाँ थी तो तुम्हारे दुल्हा भाई के दोस्त आए थे, एहसन नाम है उनका, आपी ने बताया। तो वो कुछ देर जहन पर जोर डालने के बाद उछल पड़ी, हाय आपी, वो उनके साथ तो मैंने बहुत बदतमीज़ी की थी, क्या उन्होंने खुद आपसे कहा है? नहीं, उनसे तो उस रोज़ के बाद मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि वो यहाँ नहीं, कोयटा में होते हैं, मुझसे उनकी अम्मी ने कहा है, वो शायद बहुत दिनों से उनके लिए लड़की तलाश कर रही थी। उस रोज़ हमारा जाना हुआ तो मुझसे बहुत कुरेद कुरेद कर मेरे घर के बारे में पूछ रही थी। फिर अभी कुछ दिन पहले उनका फ़ोन आया कि वो तुम्हें देखना चाहती हैं। मैंने अम्मी से बात की, यूँ इतवार का दिन तय पाया है, बस तुम ज़रा अपने आप को ढंग से पेश करना, आपी ने तफसील से बताने के साथ कहा। ढंग से पेश करने का क्या मतलब है? वो तिनक कर बोली, मतलब ये कि इम्प्रेशन तुमने एहसन पर डाला था जो, उससे ज़रा परहेज़ करना। कोई फ़ायदा नहीं, वो तो देख चुके हैं, और जब उन्हें मालूम होगा कि उसी बदतमीज़ लड़की से उनकी बात चलाई जा रही है तो वो साफ इनकार कर देंगे। और मुझे भी वो कोई इतने अच्छे नहीं लगे थे जो मैं अपने गुज़िश्ता रवैये पर पछताऊँ कि हाय काश ऐसा ना होता और वैसा होता, बल्कि आप मज़ीद उन्हें बता दीजिएगा कि मैं इससे भी ज़्यादा बदतमीज़ और सरपरी हूँ। जैसे लाशऊर में कहीं खजालत मौजूद हो जिसकी नफ़ी के लिए बंदा बढ़ चढ़ कर बोलने लगे, तो शायद उसकी भी वही कैफियत थी। बकोमत, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बोलने की, आप ही ने उसे डांट दिया तो वो मुंह भुलाकर कहने लगी, तो आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? मुझे नहीं करनी शादीवादी, ना मुझे घरदारी आती है ना बच्चे संभाल सकती हूँ, इसीलिए तो मैं इस रिश्ते के हक में हूँ, क्योंकि एहसन की अम्मी बहुत अच्छी हैं, सब सिखा देंगी तुम्हें, वरना अगर किसी रवायती सास से पाला पड़ गया ना तो रोती रहोगी सारी उम्र। सास अच्छी देख रही हैं आप, और वो जिनके साथ मैंने बदतमीजी की थी वो भी अच्छे हैं बहुत, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप ही ने उसे गुदगुदा कर खिलखिलाने पर मजबूर किया। फिर इतवार के दिन आप ही सुबह ही आ गई थी और भाभी के साथ मिलकर घर की सफाई सुथराई से लेकर मेहमानों की खातिर मदारात के लिए जाने कितने लवाजमात तैयार कर डाले। साथ साथ उसे भी कोई ना कोई नसीहत कर जाती थी, जैसे वो बड़े आराम से सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि उसे यकीन था कि यहाँ बात बनने वाली नहीं है। फिर किसी को ये कहने का मौका क्यों दे कि खुद को पसंद करवाने के लिए कैसा खोल चढ़ा लिया है,
हालांकि वो बदतमीज नहीं थी। उस रोज़ उसकी जगह कोई भी होता नींद खराब होने पर ऐसा ही मुजाहरा करता। बहरहाल अब ऐसा भी नहीं था कि मेहमानों के सामने वो खुद को बदतमीज़ ही जाहिर करती। अव्वल तो उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की और अगर करती भी तो उसे कामयाबी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मेहमानों के सामने जाने से ही फितरी हिचकिचाहट और झिझक और घबराहट ने उसे तो सर तो क्या नज़रें भी नहीं उठाने दी थी। सवालों के जवाब भी बस जी और जी नहीं में दिए, जिस पर अपने आप पर भी हैरान हो रही थी और बाद में तो झुंझुलाने लगी थी। उफ, मुझे क्या हो गया था, मैं ऐसी कंफ्यूज होने वाली तो नहीं हूँ। जनाब, ऐसे मौके पर अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप क्या चीज़ हैं, आप ही ने उसकी झुंझुलाहट से महसूस होते हुए कहा। तो भाभी ने उनकी तायद की, जी नहीं, ज़रूर आप लोगों ने मुझ पर कुछ पढ़ कर फूंका होगा जो मुझसे सर भी नहीं उठाया गया, और कार्टून देख कर भी हंसी नहीं आई, वरना मेरी बत्तीसी कभी अंदर रहती है, उसने कहा। तो आप ही हैरान हुई, कार्टून क्या मतलब? अरे वो जो मेरे सामने हजरत बैठे थे, सारा वक्त अपनी शक्ल बिगाड़ते रहे। वो अब सोच कर हंसने लगी, वो अहसन का भाई है, लेकिन मैंने तो उसे शक्ल बिगाड़ते नहीं देखा। मैं देख रही थी, कभी यूं कभी यूं, कभी आंखें बहकी कर रहा था, वो उसी की तरह शक्ल बिगाड़ रही थी, साथ हंसती भी जा रही थी। फिर जब हंसी थमी तो बोली, वैसे आप ही, उनकी बहन बड़ी क्यूट सी है, क्या करती है? ग्रेजुएशन किया है उसने, और मेरा ख्याल है दोनों बहन भाई की साथ साथ ही शादी होगी, आप ही ने बताया। तो भाभी पूछने लगी, कहीं बात तय हो गई है उसकी? मेरा ख्याल है, आप ही ने यकीन से नहीं कहा। तो भाभी फौरन बोली, अगर नहीं तो फिर हम छोटे भाई के लिए बात करते हैं, बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी उनकी। छोटे भाई के लिए कोई कमी नहीं है, उससे अच्छी मिल जाएगी। भाभी की बात हालांकि उसके भी दिल को लगी थी, उसके बावजूद इख्तलाफ करने से पास नहीं आई, और देखा भी ऐसी नज़रों से जैसे कह रही हो आपको उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जिस पर भाभी खामोश हो रही थी। फिर चंद दिनों में ही अहसन की अम्मी ने दो तीन चक्कर लगा लिए थे, और भाईजान को घराना तो पसंद था, लेकिन अहसन से मिले बगैर वो कोई फ़ैसला नहीं करना चाहते थे, और अहसन गालिबन मसरूफियत की बिना पर आ नहीं पा रहा था। आपी और दुल्हा भाई की पुरसुर हमायत के बावजूद भाईजान ने बड़े सब्र व सुकून से उनका इंतज़ार किया, क्योंकि उन्हें उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वो चाहते थे कि पहले वो ग्रेजुएशन कर ले और साथ कुछ गर्दारी भी सीख ले, खसूसन खाना पकाना। इस सिलसिले में पहली बार उन्होंने खुद उसे टोका था कि उसे किचन में भाभी का हाथ बटाना चाहिए, और शुरू में तो वो खुद भाभी के साथ लगी रहती थी, तो इसी बहाने भाभी कुछ न कुछ काम उससे करवा लेती थी। लेकिन जब से छोटे भाई को वो किसी खातिर में ही नहीं लाती थी, उनके साथ उठना बैठना तक उसने छोड़ दिया था, और अब भाईजान के टोकने पर मजबूरन उनके साथ किचन में खड़ी होने लगी थी। फिर इन्हीं दिनों अहसन छुट्टी पर आए तो उनकी अम्मी ने सबको खाने पर बुलाया, ताकि अम्मी और भाईजान अहसन को देखकर मिलकर जल्द फैसला करें, और वाकई उसके बाद भाईजान ने फैसला करने में बहुत जल्दी की थी, क्योंकि उन्हें अहसन बहुत पसंद आए थे, और उनके वापस क्वेटा जाने से पहले घर की छोटी सी तकरीब में मंगनी की रस्म भी अदा कर दी गई। और वो तो ये समझ रही थी कि अहसन के आने पर वह सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। वो मंगनी की अंगूठी पहनकर भी बेयकीन सी थी, और मुसलसल सोच रही थी कि या तो अहसन को वो पहला मुलाकात वाला वाक्य ही आते हैं, या फिर उन्हें धोखे में रखा गया है। ये कहकर कि उनकी मंगनी उससे नहीं बल्कि आप ही की किसी और बहन से हो रही है, जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं, और ऐसी सूरत में जब उन पर हकीकत खुलेगी तो जाहिर है वो कितने शॉक्ड होंगे, और ये भी हो सकता है बदले में उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दें। वो अपने आप जाने क्या क्या सोच कर इतनी परेशान हो गई थी कि उसी वक्त लॉबी में आकर उनका नंबर डायल करने लगी। कुछ दिन पहले उनकी बहन आयशा ने उसे अपना नंबर दिया था। बहरहाल दूसरी तरफ मुसलसल बेल जा रही थी, उसने मध्यम सी रोशनी में रिस्ट वॉच पढ़ने से डाली, 2 बज रहे थे, फिर भी वो बड़े सुकून से इंतज़ार करने लगी। कितनी देर बाद रिसीवर उठाने के साथ नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी, हेलो आप कौन, उसने आवाज़ दबा कर पूछा फौरन। तो उधर से सवाल आया, आपको किससे बात करनी है? जी अहसन से। वो घबरा भी रही थी कि कहीं कोई उठकर ना आ जाए, फरमाइए। गोया एतराफ़ था कि मैं ही अहसन हूँ। आप अहसन? ओह सॉरी, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि सुबह तो आपको क्वेटा चले जाना है और मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी था। वो बहुत रवानी में बोलकर खामोश हो गई। क्या बताना ज़रूरी था? उनके टोकने पर वो फिर शुरू हो गई।
यही कि जिस लड़की के साथ आपकी मंगनी हुई है वो आज़र भाई के घर में, जिसने आपके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आई थी ना, आपको याद होगा? अगर नहीं याद तो मैं बताती हूँ। एक मिनट, उधर से टोक कर कहा गया, पहले ये बताएं आप कौन हैं। मैं, उसने सटपटा कर फ़ोन बंद कर दिया और भाग कर अपने कमरे में आई तो उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फिर अगले दिन कई दिन वो इंतज़ार करती रही कि उधर से कोई भी बहाना करके मंगनी तोड़ने का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बरअक्स एहसन की अम्मी ने आते ही जल्द शादी पर जोर देना शुरू किया, तो उसे लगा जैसे गुज़िश्ता दिनों इंतज़ार के साथ उसके अंदर बेशुमार अंदेशे भी थे जो अब नहीं रहे थे, और वो बहुत मुतमईन और मसरूर होकर भाभी के साथ किचन में खड़ी लवाजमात से ट्रॉली सजा रही थी कि आयशा दरवाजे से झाँक कर बोली, मैं आ सकती हूँ? ज़रूर। भाभी ने खुश दिली का मुजाहरा किया जबकि वो सिर्फ मुस्कुराई थी, जिस पर आयशा अंदर आते कहने लगी, आज़र भाई ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है कि तुम बहुत बातूनी, शोख, चंचल और हंगामा खेज हो, लेकिन मुझे तो तुम बहुत मासूम लग रही हो। ये वाकई बहुत मासूम है, भाभी ने उस पर प्यार भरी नज़र डाल कर कहा। तो आयशा उससे पूछने लगी, अब बताओ किसकी बात का यकीन करूँ? मेरा ख्याल है दुल्हा भाई ने जो कहा है वही सच है। अपनी तरफ से उसने खासी दीदा दलेरी दिखाई थी, जिस पर भाभी फौरन कहने लगी, तो इससे ये कहाँ साबित हो गया कि बातूनी, चंचल और हंगामा खेज लड़कियाँ मासूम नहीं होती, जबकि उसकी सादगी और मासूमियत अभी साबित हो गई है, वरना अगर ये होशियार और चलाक होती तो मज़ीद खुद को पोज करने लगती। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आयशा ने भाभी की तायद की। फिर उससे कहने लगी, चलो तुम अंदर आओ, उमैर भाई तुमसे मिलने को बेकरार बैठे हैं, चलो। वो भाभी के सामने ट्रॉली छोड़कर किचन से निकल आई और ड्राइंग रूम में आकर एहसन की अम्मी को सलाम किया। फिर उमैर के बराबर सोफे पर बैठते ही कहने लगी, आज तो आप ठीक ठाक लग रहे हैं, यकीनन किसी नफ्सियाती डॉक्टर से इलाज कराया होगा। क्या मतलब? उमैर समझा नहीं। वो जो उस रोज़ आप मुसलसल अपनी शक्ल बिगाड़ रहे थे, मुझे पता है उसका इलाज सिर्फ नफ्सियाती डॉक्टर के पास होता है। अच्छा किया जल्द रुजू कर लिया, वरना वो बहुत कोशिश के बावजूद अपनी हंसी रोक नहीं सकी और जब हंस पड़ी तो रोकने की कोशिश तर्क कर दी। उमैर ने बड़े सुकून से इंतज़ार किया, जब उसकी हंसी ख़त्म हुई तब कहने लगा, ठीक कह रही हैं आप, उसी डॉक्टर ने अब मुझे आपके पास भेजा है, कह रहा था बाकी इलाज तुम्हारी भावच करेंगे। अरे मैं तो ऐसा इलाज करूँगी कि तुम, सॉरी। उमैर को तुम कहकर फौरन एहसास भी हो गया, जब ही निचला होंठ दांतों में दबा गई, नो सॉरी, मैं एहसन भाई से छोटा हूँ, आप मुझे तुम तो क्या तू भी कह सकती हैं, उमैर ने कहा। तो आयशा उसकी तायद करती हुई बोली, देख लें हमने आपको कितना मोतबर कर दिया है। शुक्रिया, वो आदाब बजा लाई। फिर उमैर को देखकर कहने लगी, हाँ आप क्या कह रहे थे, डॉक्टर ने आपको मेरे पास भेजा है? जी हाँ, वो कह रहा था आपके पास हर गम का इलाज है, दर्द दिल, दर्द जिगर, वो बेसाख्ता बोली, दर्द सर, जिस पर उमैर और आयशा बेसाख्ता हंसने लगे। वो इन दिनों बहुत खुश थी क्योंकि ज़िंदगी में जैसी हलचल वो पसंद करती थी तो आयशा और उमैर भी वैसे ही थे, हर दूसरे दिन आकर उससे अपने साथ चलने पर इसरार करते और वो जैसे पहले से ही तैयार होती, कोई तफरीका छोड़ी नहीं थी, किसी दिन बाज़ार के चक्कर लगते। आयशा की शादी भी उसके साथ तय थी, इसीलिए दोनों अपनी अपनी पसंद से शॉपिंग कर रही थीं, जबकि घर में अम्मी ने उसके लिए पहले से बहुत कुछ बना रखा था, उस पर भाभी और अम्मी मिलकर काम कर रही थीं, यानी कपड़ों की सेटिंग, डिज़ाइनिंग वगैरह की, किस पर क्या काम होना है और कपड़ों के साथ मैचिंग चीज़ों की खरीदारी भी कर रही थी। वैसे भी इन दिनों भाभी बाज़ारों के चक्कर नहीं लगा सकती थी, इसीलिए अम्मी ने उसे आयशा और उमैर के साथ जाने की इजाज़त दे रखी थी। इस वक्त वो अम्मी से कुछ चीज़ों की लिस्ट बनवा रही थी कि उमैर आ गया, खातून फौरन चलने के लिए तैयार हो जाए, उधर अम्मी ज्वेलर के पास आपका इंतज़ार कर रही हैं, आप चलकर डिज़ाइन पसंद करें ताकि वो ऑर्डर कर सकें। उमैर ने बहुत उजलत के मुजाहरे के साथ कहा, तो उसने पहले अम्मी को देखा, फिर उनकी इजाज़त मिलने पर उठते हुए बोली, मैं अभी आती हूँ, तुम जब तक चाय वगैरह पियो। फिर भाभी को चाय का कहकर वो अपने कमरे की तरफ भागी थी, कपड़े तैयार थे इसलिए तैयारी में भी उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा, बालों में जल्दी जल्दी ब्रश करके कमरे से निकली तो भाभी उसे रोक कर पूछने लगी, आज आयशा नहीं आई? नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आई, उसने लापरवाही से जवाब दिया। फिर तुम क्यों जा रही हो? भाभी का अंदाज सीधा साधा था, फिर भी वो तिनक कर बोली, क्यों आयशा नहीं जाएगी तो क्या मैं भी नहीं जाऊँगी?
आगे सारी ज़िंदगी मुझे उसके साथ तो नहीं जलना, उमर के साथ भी नहीं जलना, भाभी कहकर जाने लगी थी कि वो एकदम उनके सामने आ गई। क्या चाहती हैं आप? जिस तरह आप छोटे भाई की तजलील करती हैं, इस तरह उमर के साथ मैं भी करूँ? ये कहूँ कि इस तरह मुँह उठाए क्यों चले आए हो? इस लहजे में बात नहीं करो रोमी, छोटी हूँ मुझसे, भाभी ने नरमी से टोका। तभी उधर से अम्मी ने पुकारा तो वह सर झटकती आगे बढ़ गई। उसका मूड कुछ ख़राब हो गया था, उमर ने देखते ही महसूस कर लिया, और जब वो उसके साथ गाड़ी में बैठी तब पूछने लगा, ये अचानक आपका मजाज क्यों बदल गया है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। अरे इस तरह मुंह फुलाकर आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आईना देखें ज़रा। उमर ने मिरर का रुख उसकी तरफ किया तो उस पर नज़र पड़ते ही वो हंस पड़ी। ये हुई ना बात। वैसे किसी किसी वक्त मैं बहुत हैरान होता हूँ कि क्या जोड़ी मिलाई है अल्लाह ने। अहसन भाई और आपके मजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहाँ वो इतने बुर्दबार, संजीदा, लिया दिया रहने वाले, और आप? उमर ने आखिर में उसे देखकर कंधे उचकाए तो वो बेनियाजी से बोली, तो तुम्हें उनके मजाज के मुताबिक लड़की पसंद करनी चाहिए थी ना, ये आप मुझसे क्यों कह रही हैं? अहसन भाई से कहिए जिन्होंने आपको पसंद किया। उमर ने कहा तो वो उछल पड़ी, क्या कहा? अहसन ने मुझे पसंद किया? देखें कम अज़ कम मुझे चक्कर देने की कोशिश ना करें, बल्कि सीधे सीधे बताएं कि आप लोग कब और कहाँ मिले थे, और यकीनन कोई कमिटमेंट होगी, जब ही तो अहसन भाई ने अम्मी से लाख सिद्ध करके शादी की जल्दी मचाई है। अच्छा आगे ना, अब इसके दो पेजेस मिसिंग हैं और डिफरेंट पीडीएफ डाउनलोड करने पर भी यही दो पेजेस मिसिंग थे। अब अंदाज़ा आगे की स्टोरी पढ़कर मुझे ये हुआ है कि इन दो पेजेस में ना इन लोगों की शादी हो जाएगी, तो अब उसके आगे की स्टोरी मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, ठीक। बहुत सी नसीहतें उसकी भाभी ने उसको की थीं, लेकिन किसी नसीहत को उसने पल्लू में बांधा भी था या उसी दहलीज पर छोड़ गई थी। जिस वक्त अहसन कमरे में दाखिल हुए, वो उनसे अपनी पहली मुलाकात सोचकर महसूस हो रही थी, और उन्होंने भी बैठते ही उसी हवाले से पूछा था, जनाब आज हुलिये से कैसा नज़र आ रहा हूँ? उसने बेइख्तियार उन पर एक नज़र डालकर सर झुका लिया। अरे आपको शर्माना भी आता है? मेरा तो ख्याल था इस वक्त भी आप मेरी अच्छी खासी क्लास लेंगी, इसलिए मैं बहुत तैयार होकर आया था, वैसे अच्छी लग रही हो। उनके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट खेल रही थी, और नज़रों की वारफंगी महसूस करके वो बहुत नर्वस हो रही थी। उन्होंने मज़ीद कुछ नहीं कहा, बस आहिस्तगी से उसके ठंडे हाथ को अपने मजबूत हाथ में दबाकर अपनी ज़ात का एतमाद बख्शा, और वो वाकई हैरान थी कि उसका धड़ धड़ करता दिल एक पल में ठहर गया था। सुबह आयशा ने उसे तैयार करके वहीं कमरे में नाश्ता कराया। वो दो दिन पहले उस घर से रुखसत हुई थी और अब भाई की शादी में पेश पेश थी। नाश्ते के बाद जैसे ही अहसन कमरे से निकल कर गए, उनकी कज़न्स आ गईं और कुछ शौक से और कुछ तनकीदी नज़रों से उसे देखने लगी। भाभी तो अच्छी लाई हो आयशा, किसी कज़न ने कहा तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, खासी कम उम्र यानी अहसन के मुकाबले में। एक क्यूट सी लड़की अहसन भाई की पसंद है, आयशा ने उसकी थोड़ी छू कर कहा तो हैरत में डूबी आवाज़ आई, वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी मुश्किल से यकीन आया था, आयशा हंसती हुई बोली। तभी उमर ने कमरे में दाखिल होते ही ज़ोरदार सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम खवातीन ही खवातीन, खवातीन में आपका कोई काम नहीं, चलिए वहीं से वापस हो जाएं। जी नहीं, मैं अपनी भावच को देखने और उनका हाल अहवाल पूछने आया हूँ। वो फौरन आगे को उसके पास आकर बैठ गया और आहिस्ता से उसे कंधा मार कर बोला, कैसी हैं? जैसी पहले थी, उसने सरगोशी में जवाब दिया। गोया अहसन भाई कोई तब्दीली लाने में नाकाम हो गए। उमर ने शोकी के साथ तासुफ का इजहार किया तो वह दांत पीस कर बोली, फौरन उठ जाओ मेरे पास से, वरना किसी का ख्याल नहीं करूँगी। वो हटता हुआ ज़ोरदार हंसने लगा, फिर उठकर चला गया। अहसन एक हफ्ते की छुट्टी पर आए थे और ये पूरा हफ्ता दावतों में गुजर गया। उसके बाद वह बहुत शौक से क्वेटा जाने की तैयारी कर रही थी, जबकि अहसन की अम्मी खासी फिक्रमंद थी। दुल्हन वहाँ अकेली कैसे रहेगी, तुम तो सारा दिन ऑफिस में होगी, क्या ये परेशान नहीं होगी? नहीं, अहसन का मुख्तसर जवाब था। कैसे नहीं, अभी तो इसे ठीक से खाना पकाना भी नहीं आता, क्या खाएगी? फिर एक एक काम के लिए बैठी रहेगी, क्या चाहती हैं आप, यहीं छोड़कर जाऊँ इसे? अहसन जिद छोकर बोले तो अम्मी कदरे सटपटा गई, नहीं यहाँ क्यों छोड़ कर जाओगे, फिर क्यों ऐसी बातें कर रही हैं, खामोखा की फिक्र, कोई परेशान नहीं होगी ये, और ना ही भूखी रहेगी, सर पर पड़ती है तो सब काम आ जाते हैं, ये भी सीख जाएगी। अहसन ठीक कह रहे हैं अम्मी, अहसन के तेज़ लहजे की तलाफी में वो अम्मी के गले में बाहें डालती हुई कहने लगी, आप यूं ही परेशान हो रही हैं,
और ये आपसे किसने कहा कि मुझे काम नहीं आता, सब कर लेती हूँ, खाना भी पका लेती हूँ, बस ये पता नहीं चलता कि क्या पका है। हाँ हाँ हाँ, उमर ने बहुत ज़ोर से कह कहा लगाया तो एहसन ने उसे घूर कर बोले, ये क्या बदतमीजी है, सॉरी भाई। उमर ने सर खुजाते हुए उसे देखा, वो होंठ भींच कर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। हाँ रोमिला, तुम्हारी तैयारी मुकम्मल हो गई, एहसन ने उठते ही उससे पूछा। जी। चलो उमर, हमारा सामान गाड़ी में रखो और हाँ अम्मी का ख्याल रखना, ज़्यादा देर घर से बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है। वो बज़ाहिर बहुत संजीदगी से अपनी बड़ाई का रोब जमा रही थी और उमर ने भी उस वक्त तक सर झुकाकर सादतमंदी का मुजाहरा किया जब तक एहसन मौजूद रहे। फिर जैसे ही वो कमरे से निकल कर गए, वो आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़कर बाजू पीछे मोड़ता हुआ बोला, हाँ और क्या क्या करना है जल्दी बताएं। उफ़ मेरा बाजू, वो तकलीफ से झुक गई तो अम्मी के डांटने पर उमर उसका बाजू छोड़कर पीछे हटता हुआ बोला, ये रोब एहसन भाई पर डालिएगा, वो पहले ही मरूब हो चुके हैं। वो हंसती हुई भागकर एहसन के पीछे आई थी और तमाम रास्ता भी वो यूं ही हंसती खिलखिलाती रही थी। फिर कोयटा की बर्फबारी ने तो उसे दीवाना बना दिया था। बेइख्तियार एहसन का बाजू थाम कर बोली, कितना अच्छा लग रहा है ना, रुको मत अंदर चलो, वरना यहीं जम जाओगी। एहसन ने उसका इश्तियाक नज़रअंदाज करके उसे अंदर धकेल दिया, फिर दरवाज़ा बंद करते हुए कहने लगे, तुम इन मौसमों की आदी नहीं हो, लिहाजा तुम्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत है, चलो हीटर ऑन करो और लिहाफ में बैठो। मैं वाकई ऐसे सख्त मौसमों की आदी नहीं हूँ, वो रूठ कर बोली। इशारा उनके तहकुमाना अंदाज की तरफ था और वो समझ कर बेसाख्ता मुस्कुराए, आहिस्ता आहिस्ता आधी हो जाओगी। जी नहीं, मौसम को बदलना होगा वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी। इससे पहले अगर चाय पिला दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, बहुत हीटर ऑन करते हुए बोले तो वो चीख पड़ी, यानी आपको मेरी खुदकुशी से कोई मतलब नहीं। नहीं, उनकी मुस्कुराहट बड़ी वाजिया थी और आंखों से झलकती शोखी ने उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। वो एहसन की संगत में बहुत खुश थी क्योंकि उसके मामले में उनका रूप बड़ा दिलकश था, बहुत मोहब्बत करने वाले और उसका बेहद ख्याल रखते, अपनी कोई बात जबरन नहीं मनवाते थे बल्कि उसकी खुशी देखते। उसे अगर उनसे कोई शिकायत थी तो सिर्फ इतनी कि वो कम बोलते थे, उसके बावजूद उसे कभी नहीं टोका। वो जितनी देर बोलती रहती गो कि हर बात का जवाब नहीं देते लेकिन सुनते ज़रूर थे और उसका उन्हें एहसास था। खसूसन शाम में जब वो घर में दाखिल होते तो उसके चेहरे पर सारे दिन की बोरियत से छा जाने वाली बेजारी वाजें नज़र आती थी। क्या सोचती होगी तुम, मैंने तुम्हें यहाँ लाकर कैद कर दिया है, शायद अम्मी ठीक कह रही थी कि तुम यहाँ अकेली परेशान हो जाओगी और मैंने उनकी बात को अहमियत नहीं दी, मैंने अपना सोचा। वो उस वक्त उसकी उकताई हुई शक्ल देखकर कह रहे थे, जनाब मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती, बेशक सारा दिन मैं बोर होती हूँ लेकिन फिर उसी हिसाब से आपको परेशान भी तो करती हूँ, इतना बहुत सारा बोलकर। वैसे अगर आपको मेरी परेशानी का ज़्यादा एहसास होता है तो अपना ट्रांसफ़र क्यों नहीं करवा लेते, उसने आखिर में इस बात पर जोर दिया जो कई दिनों से कह रही थी। इस सिलसिले में मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली भी नहीं देना चाहता, यानी मैं अपना ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता क्योंकि यहाँ ब्रांच खोलने का मशवरा मेरा था और मेरी जिम्मेदारी कबूल करने के बाद ही MD ने इस पर अमल किया था। अब अगर मैं ही बस करें ना, ये ऑफिशियल बातें मेरी समझ में नहीं आती, और जो मेरे समझने की बात थी वो मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, वो हाथ उठाकर उन्हें मज़ीद तफसील से रोक कर बोली। क्या समझ गई हो, उन्होंने सवालिया नज़रों से देखा। यही कि आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता और आइंदा मैं इस सिलसिले में कुछ ना कहूँ, वो हसबे आदत इतरा कर हंसी जैसे कोई तीर मार लिया हो। गुड, तुम शुरू से इतनी समझदार हो या मेरी सोहबत का असर है, उन्होंने मुस्कुराहट दबा कर पूछा तो वो मज़ीद गर्दन अकड़ा कर बोली, शुरू से यानी बचपन से, हर बात बहुत जल्दी से समझ लेती हूँ, बस एक बात आज तक समझ नहीं आई। वो क्या, वो दिलचस्पी से देखने लगे, वो ये कि मैं तो आप ही के घर आपके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आई थी, फिर आपने कैसे मुझे पसंद करके शादी का फैसला भी कर लिया, वो अक्सर सोचती थी और पूछ आज रही थी, जिस पर वो कहने लगे, ये बात तो तुम्हें अव्वल रोज़ ही पूछनी चाहिए थी, बहरहाल इसका जवाब यह है कि मुझे लड़कियों का अजनबियों से इखलाक बरतना अच्छा नहीं लगता। उस रोज़ अगर तुम ये कहती कि जी आज़र भाई तो घर पर नहीं हैं, आप ही भी गई हुई हैं, आप ड्राइंग रूम में बैठकर इंतज़ार कर लें वगैरह वगैरह, तो शायद मैं कभी भी तुम्हारे बारे में ना सोचता, और मेरा ख्याल था या तो आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी शादी मुझसे हो रही है या फिर इंतकामन कर रहे हों, और मुझे खबरदार करने के लिए तुमने रात के 2 बजे फ़ोन किया था,
उन्होंने कदरे सोचते हुए अंदाज में कहा तो वो साफ मुकर गई। जी नहीं, मैंने कोई फ़ोन नहीं किया था। अच्छा, फिर वो कौन थी जो बहुत मोहब्बत जता रही थी फिर मिन्नतें करने लगी कि खुदारा उस वाक्य को भूल जाए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो कनखियों से उसे देख रहे थे। ये सुनते ही वो उछल पड़ी। मोहब्बत कब जताई थी मैंने और मिन्नतें? उनके होठों पर फैलती मुस्कुराहट से वो पहले सटपटा गई, फिर झीप कर बोली, बहुत बुरे हैं आप, अब बात ना कीजिएगा मुझसे। अच्छी बात, लेकिन मैं कुछ खबरी सुन लो, तुम एक अदद भतीजे की फुप्पो जान बन चुकी हो। उन्होंने अचानक याद आने पर बताया तो वो खुशी से चिल्लाती हुई बोली, सच? आपको कैसे पता? आज ऑफिस में तुम्हारे छोटे भाई का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया, और हाँ, तुम्हें सलाम वगैरह भी कह रहे थे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सब लोग? आप घर में फ़ोन क्यों नहीं लगवा लेते? उसे एकदम फ़ोन की कमी महसूस होने लगी। कह रखा है मकान मालिक से इस महीने लग जाएगा, नहीं तो हम घर बदल लेंगे। चलें, भतीजे की खुशी में आपको ज़बरदस्त चाय पिलाती हूँ। वो उठकर किचन में चली गई, जबकि दिल चाह रहा था कि उड़कर घर पहुँच जाए। सब लोग याद आने लगे थे, अम्मी, भाभी, भाईजान, छोटे भाई और अब नन्ना भतीजा। कितनी खुश होंगी अम्मी और उस घर में कितनी रौनकें सिमट आई होंगी। इस वक्त उसका ध्यान उधर रहने लगा था। एक दो बार एहसन से कहा भी कि कुछ दिनों के लिए चलें और उन्होंने टाला तो नहीं, ना ही फौरी जाने की हामी भरी। साफ कोई से अपनी मसरूफियत बताकर अगले महीने चलने का वादा कर लिया। वो दिन गिनने लगी थी और अभी कुछ दिन बाकी थे कि उमैर अम्मी को लेकर आ गया। उनकी आमद से भी वो बहुत खुश हो गई थी। कितनी कमज़ोर हो गई है बच्ची, अपनों से दूर लाकर अकेली जो कर दिया है तुमने इसे, अम्मी एहसन पर खफा होने लगी। ये कोई तरीका नहीं है, पहली बार बच्ची घर वालों से दूर हुई है, महीने 15 दिन बाद मिलाने ले जाते, तुम तो यूं कब्जा जमा कर बैठ गए हो जैसे अब और किसी का हक ही नहीं रहा इस पर। कई बार उसकी अम्मी का फ़ोन आ चुका है, छूटते ही पूछती हैं कि कब आ रहे हैं बच्चे। बच्चे बड़े हो जाएं, उनके पर निकल आए तो वो अपना अलग घोंसला बना लेते हैं। अम्मी की गुफकी पर वो जुस्बुस होकर बोले, यही फ़र्क है इंसानों और जानवरों में कि इंसान अपना पहला घोंसला कभी नहीं भूलता, घूम फिर कर वहाँ ज़रूर आता है, ख्वाह सताने को ही सही। तुम दुनिया से निराले हो क्या? आप खामखा बिगड़ रही हैं अम्मी, हम अब कुछ दिनों में आने वाले थे, पूछ लें आप रोमिला से। उन्होंने चाय लाती रोमिला को देखकर कहा तो वो फौरन बोली, जी अम्मी, हमारा इसी महीने का प्रोग्राम था। चले, अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बेटा, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए बहुत उदास हैं, तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। तुम एहसन से कहती नहीं हो या ये तुम्हारी बात मानता नहीं है? अम्मी ने उसे अपने पास बिठाते हुए नरमी से पूछा तो वो कदरे रुक कर बोली, उनकी मसरूफियत देखते हुए मैंने खुद ही नहीं कहा। खैर, अब तुम हमारे साथ चलना, मैं ख़ास तौर पर तुम्हें लेने आई हूँ, अम्मी ने कहा तो वो एहसन को देखने लगी। जाने वो मतवज्जा नहीं थे या कसदन अनजान बन गए थे। मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी क्योंकि उमैर को बस 3 दिन की छुट्टी मिली है, आज का दिन तो यूँ भी निकल गया, परसों चलेंगे। परसों नहीं अम्मी, आप हमारे साथ चलिएगा, उमैर को जाने दें, उसने कहा तो उमैर फौरन बोला, जी नहीं अम्मी, मेरे साथ ही जाएंगी, आप बेशक अपने प्रोग्राम के मुताबिक आइएगा। कोई प्रोग्राम के मुताबिक नहीं, ये भी मेरे साथ जाएगी, अम्मी के हतमी अंदाज पर वो खामोश हो गई थी। लेकिन रात में एहसन से ज़रूर कहा कि वो उनके साथ जाना चाहती हैं, और चाहते तो वो भी यही थे, लेकिन फिर उन्हें अम्मी की बात ठीक लगी कि वो अगर साथ गए तो 3-4 दिन बाद वापस आते हुए उसे भी अपने साथ लाना चाहेंगे, और इतने कम दिनों में ना तो वो मैके में रह सकेगी ना अम्मी का उसे अपने साथ रखने का अरमान पूरा होगा। यूँ अम्मी की बात से इत्तफाक करते हुए उन्होंने उसे भी समझा दिया कि वो 10-15 दिन बाद उसे लेने आ जाएंगे। फिर गो के एहसन ने उसे अपनी तरफ से इत्मीनान दिला दिया था, फिर भी वो उनकी फ़िक्र साथ लेकर आई थी कि उन्हें खाने की प्रॉब्लम होगी, कपड़े खुद प्रेस करने पड़ेंगे, और ज़्यादा उनकी तन्हाई का ख्याल था। ऑफिस से आने के बाद बहुत बोर होंगे एहसन, शाम उतर रही थी जब उसने उमैर को देखकर कहा तो वो छेड़ कर बोला, जी नहीं, शुक्र कर रहे होंगे भाई कि जान छूटी ऐसी बातूनी लड़की से, कुछ दिन ऐश करेंगे, देखा नहीं था जब आप आ रही थी तो वो कितने खुश हो रहे थे, वो तुम्हें खुश नज़र आ रहे थे, वो चीख कर बोली। और क्या, पूरी 32 बाहर थी, इससे पहले मैंने कभी उनके दांत नहीं देखे थे, उमैर उसके गुस्से से महसूस हो रहा था, तुम बिल्कुल अहमक हो, तुम्हें खुशी और गम की कैफियत में तमीज़ नहीं है, आपका मतलब है वो गमजदा थे,
अच्छा अच्छा मैं समझ गया कि आपकी जुदाई के ख्याल से ना सिर्फ परेशान बल्कि यूं बौखला गए थे कि आंसू के बजाय दांत निकाल रहे थे। उमैर ने उसकी घूरती आंखों में देखकर कहा। तुम वो उसे मारने के लिए इधर उधर कोई चीज़ तलाश करने लगी तो वो हंसता हुआ उठकर भाग गया। अगली सुबह जब उमैर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो अम्मी से इजाज़त लेकर वो भी उसके साथ निकल आई क्योंकि अब उससे मजीद सब्र नहीं हो रहा था। जब तक दूसरे शहर में थी तो और बात थी, अब तो एक रात भी भारी गुजरी थी। अम्मी के घर में दाखिल होते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अम्मी भाभी मैं आ गई। अम्मी अपने कमरे से और भाभी किचन से निकलकर आईं तो दोनों से गले मिलकर उसने फौरन मुन्ने का पूछा, तो भतीजे की मोहब्बत खींच लाई है तुम्हें? अम्मी ने एक बार फिर उसे गले लगाते हुए कहा तो वह हंसती हुई बोली, सिर्फ उसकी नहीं आप सबकी मोहब्बत। तभी भाभी मुन्ने को लेकर आ गई और उसकी गोद में डालते हुए बोली, अल्लाह तुम्हें भी ऐसा ही चांद जैसा बेटा दे। आमीन, अम्मी ने कहा। फिर पूछने लगी, किसके साथ आई हो? एहसन कहाँ है? एहसन नहीं आए, मुझे कोयटा से अम्मी और उमैर लेकर आए हैं और अभी यहाँ उमैर छोड़कर गया है। उसने मुन्ने के साथ खेलते हुए अम्मी की बात का जवाब भी दे दिया, उमैर को अंदर नहीं बुलाया, वो ऑफिस जा रहा था चला गया। उसकी मसरूफियत हनूस थी जब ही अम्मी ने मजीद सवाल जवाब बात के लिए उठा रखे और भाभी को चाय लाने का इशारा करके उसे मुन्ने के साथ खिलखिलाते हुए देखने लगी। उसके चेहरे पर वैसी खुशियों का निखार था जिनकी एक माँ अपनी बेटी के लिए आरजू करती है, दुआएं मांगती है और अपनी दुआओं की कबूलियत पर अम्मी के अंदर जहाँ ढेरों इत्मीनान उतरा वहाँ शुक्र भी कर रही थी। फिर अम्मी के फ़ोन करने पर दोपहर में आपी भी बच्चों के साथ आ गई तो घर में खूब रौनक हो गई, जिस पर वो अपने आप ही हैरान होकर कहने लगी, मैं ऐसी हलचल के बगैर जिंदा हूँ, हैरत है। यह हलचल बच्चों के साथ होती है, कोई आसार हैं? आपी ने फौरन एहसास दिला के पूछा तो उसने झीम कर नफी में सर हिला दिया, क्यों 6 महीने तो हो गए हैं तुम्हारी शादी को, किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं, कभी ख्याल ही नहीं आया, उसकी साफ गोई पर आपी कहने लगी, कोई टोकने वाला जो नहीं है वहाँ, यहाँ ससुराल में सबके साथ रहती होती तब तो ख्याल आता। बहरहाल इस मामले में लापरवाही नहीं करना बल्कि यहीं से अपना चेकअप करवा लो तो अच्छा है, वहाँ जाकर फिर भूल जाओगी। उसने बस सर हिलाने पर इक्तफा किया। फिर तीसरे दिन ही उमैर उसे लेने आ गया जबकि वो अम्मी से 5-6 दिन का कहकर आई थी और उन्होंने कोई एतराज़ भी नहीं किया था बल्कि खुशी से इजाज़त दी थी और उमैर से भी उसने यही कहा था लेकिन वो बजित था। आपको अभी चलना है क्योंकि घर में काफ़ी लोग सिर्फ आपसे मिलने के शौक में आ रहे हैं और आयशा भी आई हुई है, आप 2-4 दिन वहाँ रह लें फिर जब कहेंगी यहाँ ले आऊँगा। उमैर ठीक कह रहा है बेटी, अम्मी उमैर की बात समझ कर कहने लगी, शादी होते ही तो तुम कोयटा चली गई थी, अब आई हो तो सबसे मिल लो, 2-4 दिन में फिर आ जाना। मेरी बात आपकी समझ में नहीं आई थी? उमैर उसे उठते देखकर बोला तो वो कुछ रूठे रूठे अंदाज में उसे घूरती हुई बाहर निकल आई। घर में आयशा उसकी मुंतजर थी और वो भी उसे देखकर एकदम खुश हो गई। उससे गले मिलने के बाद बकायदा उसके सरापे का जायज़ा लेने लगी तो वो अपने सामने दुपट्टा फैलाते हुए टोक कर बोली, कुछ ख्याल करो उमैर भाई आ रहे हैं। वो अपनी हरकत पर खुद ही हंसने लगी और जैसे ही उमैर करीब आया उसे देखकर बोली, सुना है तुम मामू जान बनने वाले हो? जबकि मुझे चाचा जान बनने का ज़्यादा शौक है, कब बना रही हैं? उमैर ने उल्टा उसे बौखला दिया था जिस पर आयशा को हंसने का मौका मिल गया। उसने बारी बारी दोनों को देखा फिर एकदम सोफे से कुशन खींच कर उमैर पर यूं बरसाना शुरू किया कि उसे संभलने का मौका ही नहीं दे रही थी। बमुश्किल उमैर उसके हाथ से कुशन लेकर जवाबी कार्रवाई करना चाहता था कि वो अम्मी को पुकारती हुई उनके कमरे में भाग गई। फिर सारा दिन आयशा के साथ बैठी वो कभी उसके हालात सुनती कभी अपने बताती और उसकी हर बात की तान इस पर टूट रही थी कि उसके पास करने को कुछ नहीं है, वो बहुत बोर रही थी। जिस पर आयशा ने उसे कई मशवरे दे डाले, कोई क्लब ज्वाइन कर लो, कुकिंग की क्लासेस ले लो या कोई लैंग्वेज कोर्स वगैरह वगैरह, उसने हर मशवरे पर यूं सर हिलाया जैसे उसे बहुत पसंद आया हो। और ये सिर्फ आयशा को दिखाने के लिए था वरना खुद वो अच्छी तरह जानती थी कि वो किसी एक पर भी अमल नहीं करेगी। बहरहाल शाम तक आयशा के साथ उसका बहुत अच्छा वक्त गुजरा। फिर उसका शौहर आसिफ उसे लेने आ गया तो उसने ज़बरदस्ती उन्हें रात के खाने तक रोका था और इस दौरान कई बार उन्हें कोयटा आने की दावत दी। फिर उनके जाने के बाद अम्मी ईशा की नमाज़ के लिए उठकर गईं तो वो उमैर के पास आकर कहने लगी, सुनो मुझे कोई अच्छी सी फ़िल्म ला दो, आजकल सारी फिल्में बकवास आ रही हैं। उमैर का अंदाज़ टालने वाला था
चलो मैं बकवास ही देख लूंगी, वो भी टलने वाली नहीं थी। जिस पर वो चिढ़कर बोला, देखनी जरूर है। हाँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। उठो प्लीज, अच्छे भाई हो ना, मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास चाय पिलाऊंगी। और हाँ, टीवी और वीसीआर मेरे कमरे में रख देना। इस इतनी लजाजत से उसने कहा था कि उमर ना चाहते हुए भी उठकर खड़ा हुआ। आप भी चलें, ज़रा आउटिंग हो जाएगी और फिल्म भी अपनी पसंद की ले लीजिएगा, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए चाय बनाने जा रही हूँ, उसने इस अंदाज से कहा जैसे पूछ रही हो फिर चाय तो नहीं पियोगे ना। चाय रहने दें, आइसक्रीम खाएंगे। उमर गाड़ी की चाबी उठाता हुआ बोला तो वो खुश होकर अम्मी को बताने उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। अपने शहर की क्या बात है, वो जगमगाती रोशनियों और ट्रैफिक के अजाम को देखकर बार बार यही जुमला बोल रही थी। अहसन के साथ तो उसने ज़िंदगी को इस अंदाज से इंजॉय किया ही नहीं था। उसके बरअक्स फौरन ही रूटीन लाइफ शुरू हो गई थी और वो इसमें खुश थी क्योंकि अहसन की शख्सियत हर पहलू से मुतासिर करने और छा जाने वाली थी और गालिबन उनके शहर में गिरफ्तार होकर उसके लिए बाकी सारी बातें बेमायनी होकर रह गई थीं। लेकिन अब अचानक दिल में इस ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली थी कि काश उमर की जगह अहसन होते। पता है मैं इस वक्त आपको तारिक रोड क्यों लेकर जा रहा हूँ, उमर ने एक उचटती नज़र उस पर डालकर कहा तो वो चौंक कर बोली, आइसक्रीम खाने? सिर्फ आइसक्रीम खाने नहीं, मैं आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी है। कोई लड़की पसंद कर ली है, उसने फौरन कहा तो उमर ने हैरान होकर उसे देखा लेकिन बोला कुछ नहीं और सीधा होकर पहले पार्किंग के लिए जगह तलाश की, फिर उसे बैठे रहने का इशारा करके खुद ही आइसक्रीम लेने चला गया, जिससे वो यही समझी थी कि उसकी बात उसे पसंद नहीं आई। लीजिए, उमर ने बैठने से पहले आइसक्रीम उसे थमा दी, फिर एहतियात से गाड़ी ट्रैफिक में से निकाल कर मेन शाहरा पर आया तो पूछने लगा, हाँ तो क्या कह रही थी आप? मैं नहीं, तुम कुछ कहने वाले थे, कोई ज़रूरी बात? इस बार वो संजीदा थी। ज़रूरी बात वही है जो आपने समझ ली, यानी मुझे फिज़ा से इश्क हो गया है। उमर के नज़दीक अब ये कोई धमाके वाली खबर नहीं रही थी क्योंकि वह पहले ही समझ चुकी थी, लेकिन उसने तो यूं ही शरारतन कहा था तस्दीक पर उछल पड़ी, वाकई कौन है फिज़ा? ऑफिस में मेरे साथ काम करती है और मसला ये है कि अम्मी को जॉब करने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं और शायद अहसन भाई को भी, इसीलिए आपको मेरी मदद करनी है, यानी उन दोनों तक ना सिर्फ मेरी बात पहुँचानी है बल्कि फिज़ा के हक में फैसला भी करवाना है। उमर ने मसला बताकर बाकी जिम्मेदारी उस पर डाल दी तो वो कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, तुम्हारी बात तो मैं उन तक पहुंचा सकती हूं और जहां तक मुमकिन हुआ सिफारिश भी कर दूंगी, लेकिन वो टोक कर बोला, मैं लेकिन वेकिन नहीं सुनना चाहता, वैसे मुझे यकीन है आपकी सिफारिश से मेरा काम हो जाएगा क्योंकि अहसन भाई और अम्मी भी आपको बहुत चाहते हैं। ये तो है, वो गर्दन अकड़ा कर हंसी, फिर कहने लगी, पहले मुझे फिज़ा से मिलवाओ, मैं देखूंगी आया वो लड़की इस काबिल है कि उसकी सिफारिश की जाए। जनाब, वो हर लिहाज से आपसे, वो कहने जा रहा था अच्छी है लेकिन फौरन संभल कर बोला, कम है यानी कमतर, बड़े उस्ताद हो। एक मिनट, मैं आपके लिए फिल्म ले आऊँ। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, उसने उतर कर वीडियो सेंटर की तरफ दौड़ लगा दी। फिर घर पहुँचने तक वो उसे फिज़ा के बारे में तफसील से बता चुका था और जब टीवी और वीसीआर उसके कमरे में रखने का मरहला आया तो उससे पहले वादा लिया कि अम्मी को फिज़ा के हक़ में हमवार किए बगैर वो कोयटा नहीं जाएगी और उसने भी बड़े आराम से वादा कर लिया था। फिर उसे फिल्म सेट करने का कहकर वो दबे पांव अम्मी के कमरे में आई और उन्हें सोते देखकर उसी एहतियात से लाइट ऑफ करके निकली। घर के सारे दरवाजे बंद किए उसके बाद चाय बनाने की गर्ज से किचन में आई, लाइट चली गई, लाहौल वाला कुत, वो पूरी तरह झुंझुलाई बल्कि तिलमिलाई क्योंकि इस वक्त अपने बिस्तर में बैठकर चाय पीने के साथ फिल्म देखने का ख्याल से ही वो बहुत खुश हो रही थी और इस लाइट ने सारा प्रोग्राम ख़राब कर दिया था। वो इसी झुंझुलाहट और अंधेरे में माचिस तलाश करने लगी और कैबिनेट में माचिस तो नहीं मिली, अलबत्ता मोमबत्ती हाथ आ गई। वो उसे लिए हुए अंधों की तरह रास्ते से चलती हुई अपने कमरे तक आई और उमर को पुकार कर पूछने लगी, उमर माचिस है तुम्हारे पास? जी। उमर गालिबन इस ख्याल से उसके बिस्तर पर दराज हो गया था कि अभी लाइट आ जाएगी तो उसका काम करके अपने कमरे में जाएगा। उसकी आवाज़ पर उठ कर बैठा और जेबों में तलाश करके माचिस निकाली, फिर तीली को शोला दिखाया तो वो जो दरवाजे में रुक गई थी अंदर आती हुई बोली, कमबख्त लाइट को इसी वक्त जाना था, अभी आ जाएगी। उमर ने उसे तसल्ली दी और उसके हाथ में मोमबत्ती देख कर उसे जलाना चाहता था कि शोला बुझ गया।
फिर दूसरी तीली जलाने में उसे एक पल लगा था और इस एक पल में दो इंसानों के बीच आने वाला वो शैतान था जिसने तीली के शोले को मोमबत्ती तक पहुंचने से पहले उसके वजूद में दहका दिया था कि वो किसी तरह इस आग से अपना दामन बचाना सका, घर की नामूस का। कुछ देर पहले उसके होंठों पर मजबूत हाथ था जिसने उसकी आवाज़ दबा दी थी और अब वो अपने ही हाथ होंठों पर जमाए बैठी थी। इसके बावजूद वक्फे वक्फे से उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही थीं जो उसे मज़ीद खौफज़दा कर रही थीं। कयामत तो वही थी जो उस पर गुजर गई थी, अब क्या रह गया था। एक बार उसका दिल चाहा अपने बदन का पूरा जोर लगाकर इतनी ज़ोर से चीखे कि इस तारीख सन्नाटे में उसकी आवाज़ सूर फूंकने का काम दे, लेकिन उसके बदन में इतनी ताकत ही नहीं थी, खुद अपने आप को बमुश्किल सहारा दिए हुए थी। इंतहाई सदमे की कैफियत में वो कुछ सोच नहीं पा रही थी, बस घोर अंधेरे में यूं लग रहा था जैसे वो जिंदा कब्र में उतार दी गई हो। कितनी देर बाद लाइट आई तो उसका कमरा एकदम से बहुत रोशन हो गया और उसकी पथराई हुई आंखें एक पल को झपकी थीं। उसके बाद वो ज़ोरदार चीख के साथ भागती हुई अम्मी के कमरे में आई और उन्हें झुंझोड़ कर उठाया। क्या बात है बेटा? अम्मी ने परेशान होकर उसे देखा, वो बुरी तरह कांप रही थी और उसके आंसू रुखसारों पर तसलसल से बह रहे थे जिससे वो मज़ीद हौल गई। सब खैर है ना? वो उमैर कहाँ है? अम्मी उठने लगी थी कि वो उनके सीने में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं मर जाऊँगी, कुछ तो बताओ, मेरे बच्चे सब कहाँ हैं? खैरियत है ना? अम्मी को अपने बच्चों की फ़िक्र लाहक हो गई। वो सच बताने जा रही थी कि किसी नादीदा हाथ ने उसके होंठ दबा दिए और वो यक टुक अम्मी को देखे गई। ये औरत कितनी शफीक, कितनी मेहरबान है, उसकी माँ जैसी, लेकिन उसकी माँ नहीं हो सकती। मैं उमैर को उठाती हूँ, अम्मी फिर उठने लगी। नहीं, उसने बेइख्तियार उनके घुटनों पर हाथ रख दिए और टेप की तरह शुरू हो गई। मुझे डर लग रहा है, शायद मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा था। आँख खुली तो लाइट भी नहीं थी, पूरा अंधेरा था, मैं और डर गई। आप मुझे अपने पास सुला लें। मैं अकेली नहीं सो सकती। हाँ, यहाँ सो जाओ। अम्मी अपनी औलादों की तरफ से इत्मीनान से होकर एक तरफ हटकर लेट गई तो उनके बराबर लेटते ही उसने खुद को चादर में छुपा लिया। कुछ देर बाद ही अम्मी के खराटों की आवाज़ आने लगी और उसकी पूरी रात आंखों में कट गई। सुबह के करीब जाकर नींद मेहरबान हुई थी, फिर बाजू में सुई चुभने से उसकी आंख खुली थी। उसने देखा डॉक्टर उस पर झुका हुआ था और उसके पीछे उमैर की एक झलक देखकर ही उसके बदन को अजीब सा झटका लगा जिससे डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन भी हिल गया था। बुखार बहुत तेज़ है, डॉक्टर उमैर से कहने लगा। बर्फ़ के पानी में कपड़ा भिगो कर सर और माथे पर रखें, एक घंटे में अगर टेम्परेचर कम ना हो तो मुझे इत्तला कीजिएगा और ये मेडिसिन चार चार घंटे पर दें। वो आंखें सख्ती से बंद किए आवाज़ें सुन रही थी, फिर कुछ देर के लिए खामोशी छाई। उसके बाद अम्मी की आवाज़ आई थी, कैसी तबीयत है बेटा? वो चुपचाप उन्हें देखने लगी तो वो उसके पास बैठती हुई कहने लगी, तुमने तो रात मुझे डरा ही दिया था। खैर, अब अकेली नहीं सोना, तुम्हारे लिए नई जगह है ना। अगर 4-6 महीने यहाँ रही होती तब तो मानूस होती। और हाँ, सुबह एहसन का फ़ोन आया था, मैंने उसे बताया तो वो भी हंस रहा था, कहने लगा वो डरने वाली नहीं है, आपको तंग कर रही होगी। उसके अंदर दर्द की लहर उठी थी जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें छुपाने की खातिर उसने पलकें मूंद ली। तभी उमैर ने खांस कर गालबन अपनी आमद से खबरदार किया तो उसने अपना चेहरा दूसरी सिम मोड़ लिया। अम्मी, ये इनकी दवाइयाँ हैं, ये दो टैबलेट्स अभी देनी हैं, लेकिन इससे पहले इन्हें कुछ खिला दें। उमैर ने उसको सारी दवाइयाँ दिखाकर दो टैबलेट अलग से थमा कर कहा तो अम्मी उठती हुई बोली, हाँ सुबह से ऐसे ही पड़ी है, मैं दूध डबल रोटी लाती हूँ। वो अम्मी के जाते ही उमैर उससे कहने लगा, आप अगर जाग रही हैं तो प्लीज़ मेरी बात सुन लें। देखें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरा यकीन करें, जो कुछ हुआ उसमें मेरे इरादे का कतई दखल नहीं था। आप बाखुदा मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है और करता रहूँगा। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें या जो चाहें सज़ा दें, मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। पहले मैं अपनी सज़ा तो तजवीज़ कर लूँ। उसकी आवाज़ में दुख के साथ आंसुओं की नमी भी शामिल थी। नहीं, आपका कोई कसूर नहीं, मेरे अंदर के हैवान ने आपको, तुम चले जाओ यहाँ से, खुदा के लिए चले जाओ। वो अचानक चीख पड़ी तो उमैर अम्मी के आने के ख्याल से फ़ौरन कमरे से निकल गया।
फिर शाम में एहसन का दोबारा फ़ोन आ गया, शायद इसलिए कि सुबह उससे बात नहीं हो सकी थी। और गो के उस वक्त भी वो बुखार में बेसुध पड़ी थी, लेकिन उनके फ़ोन का सुनते ही उठकर भागी आई और झपटने के अंदाज में अम्मी से रिसीवर ले लिया। एहसन, आपने फ़ोन क्यों किया? खुद क्यों नहीं आए? मैं इंतज़ार कर रही हूँ, फ़ौरन आ जाएं इसी वक्त, नहीं तो मैं, वो तेज़ सांसों के दरमियान बेरब्त बोल रही थी। रोमेला, क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? उधर से उन्होंने तशवीश से पूछा। नहीं, आपको नहीं पता, बस आप आ जाएं। ओके ओके, मैं आ रहा हूँ, वो उसे तसल्ली देकर बोले। ज़रा अम्मी को फ़ोन दो, वो अपने कमरे में जा चुकी हैं। आपको उनसे जो बात करनी है यहाँ आकर करें, वो मुसलसल आने पर जोर दे रही थी। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं कुछ ज़रूरी काम निपटाते ही आ जाऊँगा। आपको सारे ज़रूरी काम छोड़ कर आना है, उसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। और गो के कोई धमकी नहीं दी थी, ना कोई कसम, लेकिन उसके लहजे में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर थी जो एहसन सारे ज़रूरी काम छोड़कर अगले रोज़ पहली फ़्लाइट से आन मौजूद हुए और उसे अम्मी के कमरे में लेटे देखकर ताज्जुब से बोले, तुम वाकई डर गई थी? लेकिन यहाँ तो कोई ज़रूरी, यहाँ तो कोई ऐसी खौफनाक चीज़ नहीं है, सोते में डर गई थी। उसके खामोश रहने पर अम्मी ने कहा, फिर पूछने लगी, तुम नाश्ता करोगे? जी, जो चीज़ मौजूद है वही दे दें, चाय के साथ। उन्होंने बैठने के लिए कुर्सी बेड के करीब खींची, लेकिन जैसे ही अम्मी कमरे से निकल कर गईं, वो कुर्सी पीछे धकेल कर उसके पास बैठ गए और उसके सोते हुए चेहरे पर नज़रें जमाई थीं कि वो उनका हाथ थाम कर रो पड़ी। एहसन, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे खुद से जुदा ना करें, मैं मर जाऊँगी। अरे, वो कुछ हैरान से हो गए, मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती तो नहीं भेजा था? बस आइंदा नहीं, मैं आपके बगैर कभी कहीं नहीं जाऊंगी, आप वादा करें मुझसे, मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो बगैर सोचे समझे बस बोल रही थी। बेवकूफ़, यह ख्याल क्यों आया तुम्हें? इन चंद दिनों की दूरी ने तुम्हें बदहवास कर दिया है या मुझसे बदगुमान? बदहवास, दरवाजे से उमैर की आवाज़ आई थी। एहसन उसका हाथ दबाकर उठ गए तो वो परेशानी से घुटनों पर अपना माथा टिकाकर अपने आंसू साफ करने लगी। तुम भावच को ले तो आए लेकिन उनका ख्याल नहीं रखा, एहसन उमैर से गले मिलने के बाद शिकवा कर रहे थे। ये सिर्फ आपको बुलाने का बहाना है भाई और कुछ नहीं, उमैर कन अखियों से उसे देखते हुए कहने लगा। मुझसे शर्त लगाई थी इन्होंने कि उनके बुलाने पर आप फौरन चले आएंगे। वाकई? एहसन को यकीन नहीं आया, पूछ ले इनसे, लेकिन पहले नाश्ता, जाइए अम्मी बुला रही हैं। उमैर ने बहुत संभल कर उसे मज़ीद सवाल जवाब से बचा लिया और एहसन के जाते ही आवाज़ दबा कर उससे कहने लगा, ये क्या हमाकत कर रही हैं आप, बंद करें रोना धोना, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, और खबरदार इस मामले में किसी पर भरोसा किया तो सारी ज़िंदगी सर पकड़ कर रोएंगी। ये मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है, आगे आपकी मर्जी। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि आप इतनी नादान हो सकती हैं, इतना तो जानती होंगी कि मर्द सारी खताएँ माफ़ कर सकता है, एक यही नहीं। छोड़ें बिस्तर और एहसन भाई को यकीन दिलाएं कि उन्हें देखते ही आप। उमैर बात यहीं छोड़कर कमरे से निकल गया तो वो कुछ देर यूं ही गुमसुम बैठी रही और फिर बिस्तर छोड़कर सीधी अपने कमरे में चली आई। इस वक्त भी उसे हल्का टेम्परेचर था, फिर भी वो वार्डरोब से कपड़े निकालकर वॉशरूम में बंद हो गई। तुम्हें बुखार में नहाने की क्या ज़रूरत थी? वो जैसे ही वॉशरूम से निकली एहसन ने टोका, बुखार नहीं था, वो कहती हुई ड्रेसिंग टेबल पर जा बैठी और कंघा उठाकर बाल सुलझाने लगी तो कदरे तौकफ से एहसन उसे आईने में देखकर बोले, सुनो, मैं कल वापस चला जाऊंगा। क्या मतलब है आपका, यानी मुझे छोड़कर? वो पूरी उनकी तरफ घूम गई। तुम क्या चाहती हो? मैं आपके साथ जाऊंगी, कल जाएं या अभी, वो हतमी अंदाज में कहकर फिर आईने की तरफ घूम गई। अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता हूँ, और इस वक्त अगर तुम बेहतर महसूस कर रही हो तो चलो आयशा की तरफ, उसके बाद तुम्हारी अम्मी के घर से भी हो लेंगे, उन्होंने कहा तो वो फ़ौरन चलने को तैयार हो गई, जैसे यही चाह रही थी कि इस घर से निकलकर फिर कभी पलट कर ना देखे। उसका दिल अभी तक सहमा हुआ था और बहुत कोशिश से भी एहसन के सामने वो अपने होठों पर ज़रा सी मुस्कुराहट नहीं ला सकती थी, जिसे अभी तक तो एहसन उसकी तबीयत की खराबी पर ही मामूल कर रहे थे। आयशा के घर पर भी वो चुप चुप सी थी और उसके बाद अम्मी के घर में भी उसकी खामोशी नहीं टूटी। हालांकि दो रोज़ पहले वो बहुत चहकती हुई आई थी, जब ही अम्मी और भाभी बार बार टोकती रहीं कि इसे अचानक क्या हुआ है, उस दिन तो अच्छी भली थी। एहसन तो ठीक है ना तुम्हारे साथ, भाभी ने भी आखिर में कुछ राजदारी से पूछा तो वो उल्टा उनसे पूछने लगी, आपको क्या लगता है?
मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मर्द अपनी बीवी के साथ कुछ और होता है और दूसरों के सामने कुछ और पोज करता है। भाभी ने दामन नहीं बचाया बल्कि हकीकत बताई। काश अहसन भी ऐसे होते पोज करने वाले, तो उन्हें धोखा देना कितना आसान होता। उसने दुख से सोचा, फिर कहने लगी, अहसन बहुत अच्छे हैं भाभी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब देखें, कल मुझे बुखार हुआ, आज ये पहुँच गए। अम्मी पर खफा हुए और उमैर पर भी कि मुझे लेकर आए थे तो मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। खैर छोड़ें, ये बताएं कि आप क्वेटा कब आ रही हैं। आखिर में उसने मौजू बदल दिया, अभी तो मुन्ना छोटा है, जब चलने वाला होगा तब आएंगे। वैसे तुम तो अभी यहीं हो ना? नहीं, मैं कल अहसन के साथ जा रही हूँ। उसने बताया तो भाभी वाहिद खातून थी जिन्होंने कहा, अच्छा है, तुम्हें अपने शौहर के साथ रहना चाहिए, वरना उनसे पहले सब ने टोका था कि इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। और भाभी की बात पर वो कितनी देर तक उन्हें देखती रही थी। फिर दोपहर के खाने तक अम्मी ने ज़बरदस्ती उन्हें रोका और अच्छा खासा अहतमाम भी कर डाला। छुट्टी का दिन था, भाई जान और छोटे भाई भी घर पर थे, इसीलिए अहसन बोर नहीं हुए। पर न सिर्फ खवातीन में वो खाने तक रुक ही नहीं सकते थे, और खाने के बाद भी वो भाई जान के साथ बड़े इत्मीनान से बैठे थे। जाने किस मौजू पर बात हो रही थी, वो सुन रही होती तब तो पता चलता, उसका ध्यान कहीं और था। फिर कुछ उकता कर बरामदे में निकल आई। अम्मी वहीं नमाज के लिए खड़ी हो रही थी, उसे देखकर कहने लगी, खाने में देर हो गई, इधर नमाज का वक्त निकला जा रहा है, तुम बैठो, बस अभी फारिग हो जाती हूँ। उसने बस सर हिलाने पर इक्तफा किया, फिर भाभी को देखने लगी, जो वजू के बाद आस्तीन नीचे करती अपने कमरे की तरफ जा रही थी। वो बहुत थके थके अंदाज में वहीं बैठ गई। रोमिला, छोटे भाई के पुकारने पर उसने चौंक कर देखा तो वो उसके करीब कुर्सी खींचते हुए बोले, ज़रा मुन्ने को उठा लाओ, आप खुद ले आएँ। वो उठना नहीं चाह रही थी। मैं भाभी के कमरे में नहीं जा सकता, तुम्हें पता तो है वो मेरे साथ क्या सलूक करती हैं। अव्वल दर्जे की दोगली खातून हैं, छोटे भाई तनफ्फुर से कह रहे थे और उसे अचानक जाने क्या हुआ, उनके पास से उठकर भागती हुई भागी भाभी के कमरे में आई और अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके हाँपने लगी थी। किताबें अच्छा बुरा कुछ नहीं सिखाती, इंसान अपने तजर्बे से सीखता है। उसे अपना तनफ्फुर याद आया और जवाब में भाभी का धीमा अंदाज, तब वक्त गुजर चुका होता है, इसलिए क्या यह बेहतर नहीं है कि हम दूसरों के तजर्बात से सीख लें। और मुझे ये बात अपनी ज़िंदगी के किसी तजर्बे ने नहीं समझाई, बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब ने सिखाई है कि देवर नामहरम होता है, उससे दूर ही रहना चाहिए। रोमिला, भाभी ने नमाज में सलाम फेरा तो नज़र उस पर पड़ी, वो दरवाजे के साथ लगी बुरी तरह हाँप रही थी, चेहरा जर्द हो रहा था। वो जाए नमाज लपेट कर उसके पास चली आई और आहिस्ता से उसका कंधा हिलाकर पूछा, रोमिला क्या हुआ है तुम्हें? वक्त गुजर चुका है, मैं लुट गई, इसलिए कि वो अचानक हवासों में आकर वहशत भरी नज़रों से भाभी को देखने लगी कि कहीं उनके सामने वो कुछ उगल तो नहीं गई। क्या कह रही हो तुम, आओ यहाँ आकर बैठो। भाभी उसे थाम कर बेड तक ले आई और अपने साथ बिठा कर सवालिया नज़रों से देखने लगी तो वो दोनों हाथों में सर थाम कर बोली, पता नहीं भाभी, परसों रात मैं ख्वाब में डर गई थी, इसके बाद अजीब सी कैफियत है, बहुत खौफजदा हूँ, ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग हाथों में पत्थर उठाए मुझे मारने आ रहे हैं। क्यों, सचमुच मुझे संसार कर देंगे? पगली, जानती हो संसार किसे कहा जाता है? भाभी ने हमेशा की तरह प्यार से उसका गाल थपक कर टोका, फिर उसे दोनों बाजुओं के हल्के में लेकर बोली, तुम तो मेरी इतनी अच्छी प्यारी बहन हो, अल्लाह ना करे जो तुमसे कोई ऐसा गुनाह सरजद हो, अल्लाह तुम्हें हर बुराई से महफूज रखे। उसका वजूद बर्फ हो रहा था, लगता है तुमने कोई बहुत ही ज़्यादा भयानक ख्वाब देख लिया है, शुक्र करो ख्वाब था। और उसे इस तरह खुद पर तारी करने के बजाय अपने लिए कोई इशारा समझो, कभी कभी ख्वाब रहनुमाई करते हैं। हाँ, उसने धीमे से अपना सर भाभी के कंधे पर टिका दिया। इस वक्त वो पनाहों की आगोश में बड़ी सुकून से थी, उसका दिल चाहा गहरी नींद सो जाए, लेकिन उसी वक्त अम्मी ने पुकार लिया। वो भाभी के साथ कमरे से निकल आई तो अहसन जाने के लिए तैयार खड़े थे। चलना नहीं है, उन्होंने कहा तो उसने ज़रा सा सर हिलाया, फिर बारी बारी सबसे मिलकर उनके साथ चल पड़ी। घर आते ही उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी, हालांकि अम्मी अहसन के साथ उलझ रही थी कि वह उसे क्यों साथ लेकर जा रहे हैं। इसके बावजूद वह पैकिंग में लगी रही क्योंकि उसे हर हाल में जाना था, और वह बहुत सोच सोच कर अपनी चीज़ें सूटकेस में रख रही थी, जैसे दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। जाने की तैयारी हो रही है, उमैर ने अचानक कमरे में आकर कहा तो वो जो अपने ध्यान में थी उछल पड़ी।
फिर फौरन पेशानी पर बेशुमार शिकने डालकर नागवारी से बोली, तुम इस तरह मुंह उठाए क्यों चले आते हो? तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है कि किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले दस्तक दे लिया करो? अरे आप तो नाराज़ होने लगी, शायद मैंने आपको डरा दिया। वो यही समझा कि उसके अचानक आने पर वो खफा हो रही हैं, जब ही नादिम हुए बगैर कहने लगा, खैर मैं ये कहने आया था कि मेरा काम किए बगैर आप कैसे जा रही हैं, क्या आपको अपना वादा याद नहीं? नहीं, वो उसी नागवारी से कहकर अपने सूट केस पर झुक गई। देखें आप फाउल खेल रही हैं, आपको मेरा काम करना पड़ेगा वरना। उमैर ने फौरन अपने होंठ भींच लिए जैसे अनजाने में उसके मुंह से वरना निकल गया हो या रवानी में। आम हालात में ये धमकी अमेज लफ्ज़ कोई मायने ना रखता, लेकिन इस वक्त वो अपनी जगह सुन हो गई थी। सॉरी आप कुछ गलत मत समझिएगा, लेकिन प्लीज़ मेरा काम, मैं फिज़ा के बगैर नहीं रह सकता। वो अपनी बात कहकर कमरे से निकल गया। उसके बाद भी कितनी देर वो बेहिसो हरकत खड़ी रह गई थी। कोयटा आकर वही शब रोज़ शुरू हो गए थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में शायद खुशी सुकून तमानियत सब वहीं तक था जब वो यहाँ से नहीं गई थी। अब तो सब ख़त्म हो गया था। इस घर में पहले भी वो सारा दिन अकेली होती थी, बड़े शौक से घर के काम काज निपटाती, म्यूज़िक सुनती, टीवी देखती और शाम उतरने से पहले गो के सोलह सिंगार नहीं करती थी, पर फिर भी खुद को यूँ संवारती कि एहसन देखते ही खुश हो जाएं, और वो वाकई खुश हो जाते थे। फिर वो सारा दिन का कोटा पूरा करती, यानी बेशुमार बातें, और अब तो उसे एक चुपसी लग गई थी। सारा दिन तन्हा होती तो जाने क्या क्या सोचती रहती, कोई अच्छी खुशगवार सोच नहीं थी, उसके बरअक्स खौफ सदा कर देने वाली सोचें थीं जो उसे जहनी तौर पर मफलूज कर रही थीं, और उसकी ज़ाहरी सेहत भी मुतासिर हो रही थी, जिसकी खुद उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि अंदर एहसास गुनाह बहुत शदीद था। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो खुद को कमज़ोर, मसलूम, बेबस औरत कहकर इस एहसास से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रही थी। फिर उसे लगता जैसे एहसन की अमानत में खयानत के बाद उनसे छुपाकर एक और गुनाह कर रही है, और उससे छुटकारे की एक ही सूरत नज़र आती थी कि वो एहसन को सब कुछ बताकर उनसे रहम की अपील करे। लेकिन यहाँ उमैर की बात याद आती, मर्द सारी खताएं माफ़ कर सकता है, एक यही नहीं, क्या करूँ? इस वक्त इन अज़ियतनाक सोचों ने उसे निढाल कर दिया था। दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसा कर वो अपने सर को ज़ोर ज़ोर से झटकने लगी। ये भी ख्याल नहीं रहा कि एहसन भी वहीं मौजूद हैं। उन्होंने पहले चौंक कर उसे देखा, फिर उठकर उसके करीब चले आए और आहिस्ता से उसकी कलाइयां थाम कर पूछने लगे, सर में दर्द है क्या? उसने बेक वक्त नफ़ी और इस्बात में सर हिलाया तो उन्होंने फिर पूछा, टैबलेट लोगी या डॉक्टर के पास चलें? मेरा ख्याल है डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम बहुत वीक हो रही हो, चलो उठो हरी अप। उन्होंने ज़बरदस्ती उसे उठाया था। मुझे एहसास है रोमिला, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा। रास्ते में वो उससे कहने लगे, सारा वक्त तुम्हें अकेले रहना पड़ता है, बहुत परेशान हो गई हो तुम, और मुझे भी अब एहसास हो रहा है कि अम्मी ठीक कह रही थी, तुम उन्हीं के पास रहती तो मैं हर वीकेंड पर वहाँ जा सकता था। मेरा ख्याल है हमें ऐसे ही सेटिंग कर लेनी चाहिए, तुम भी खुश रहोगी। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वो वहाँ जाने के ख्याल से ही परेशान हो गई। अरे तुम तो यूँ परेशान हो गई हो जैसे मैं पता नहीं तुम्हें कहाँ भेज रहा हूँ। मैं कराची की बात कर रहा हूँ, अपने घर की, फिर वहाँ तुम्हारे घर वाले भी हैं। फिर भी नहीं, मुझे बस आपके साथ रहना है, मुझे खुद से अलग करने की बात ना करें, मेरा दम घुटने लगता है, उसने कहा तो एहसन ने कुछ हैरान होकर उसे देखा, फिर ज़ेरे लब मुस्कुरा कर बोले, मेरा ख्याल था सिर्फ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर डॉक्टर के पास से आकर वो बहुत खुश थे, क्योंकि उसने नए मेहमान की आमद की नवीद दी थी और वो भी किसी हद तक बहल गई थी। उस रात देर तक एहसन के साथ बातें करती रही, बच्चे की, उसके मुस्तकबिल की, और उसके कितने नाम तजवीज़ कर लिए। तुम यूं ही बोलती रहा करो, अच्छी लगती हो। उन्होंने उसकी गुज़िश्ता दिनों की खामोशी को इस अंदाज से जताया था, जिस पर वह सोच कर कहने लगी, मेरा ख्याल था आपको मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता, जब भी मैं खामोश रहने लगी थी और इसके लिए मुझे खुद पर भी बहुत जबर करना पड़ा। बेवकूफ़ लड़की, अगर ऐसी बात होती तो मैं पहले ही तुम्हें टोक देता। आइंदा कभी किसी मामले में खुद पर जबर नहीं करना, उन्होंने बहुत मोहब्बत से तंबीह की थी। फिर उन्हीं दिनों घर में फ़ोन लग गया तो वो दिन में भी एहसन से बात करने लगी थी, खसूसन उस वक्त जब उस तारीख रात के ख्याल से खौफ सदा होती तो एहसन की मोहब्बत भरी बातों में पनाह ही ढूंढती, और उसका ध्यान तो किसी हद तक बढ़ जाता था। लेकिन उधर एहसन परेशान हो जाते थे कि आखिर वो किन खदशात में गिर गई है जो बार बार पूछती है
आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? या अपने आप कहने लगती है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके पास रहूंगी, वगैरह वगैरह। तुम्हें एक अच्छा क्यों है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? उस रात उसके बालों में उंगलियां फंसाकर उन्होंने धीरे से पूछा, तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि अनजाने में वो मज़ीद हमाकतें कर रही हैं। तब बहुत संभल कर बोली थी, क्या करूँ, अकेली होती हूँ तो अजीब अजीब वहम आते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ और शायद आपको भी परेशान करने लगी हूँ। सॉरी, आइंदा आपको ऑफिस में डिस्टर्ब नहीं करूँगी। सवाल मेरे डिस्टर्ब होने का नहीं है, तुम्हारे वहमों का है। आखिर उनका कुछ इलाज तो होना चाहिए। मैं समझता हूँ इन दिनों तुम्हें रिलैक्स रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो एकदम संजीदा होकर जैसे इस मसले का हल सोचने लगे, तो वो अंदर ही अंदर खाइफ होकर बोली, ये कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसे आप बाकायदा सोचने बैठ गए? फिर सारा दिन तो मैं ठीक ही रहती हूँ, बस किसी वक्त कोई ख्याल परेशान करता है तब मैं आपको फ़ोन कर लेती हूँ और आपसे बात करके फ़ौरन इत्मीनान से हो जाती हूँ। कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उनका अंदाज़ ऐसा था जैसे तुम कुछ छुपा तो नहीं रही। नहीं, वो उनके अंदाज़ से नज़रें चुरा गई थी। उसके बाद उसे बहुत मोहतात होना पड़ा, खसूसन उस वक्त जब खौफज़दा और परेशान होती तो फ़ोन के करीब भी नहीं भटकती थी, अपने आप इधर उधर चक्कर लगाती रहती और उसे लगता उसके पैरों तले अंगारे दहक रहे हों और सारी ज़िंदगी उन्हीं अंगारों पर चलना है। अब आगे से फिर एक पेज मिसिंग है, खैर स्टोरी समझ आ जाएगी, तो मैं पढ़ती हूँ। उसे ताम कर सोफे पर बिठा दिया और ख़ुद यूँ सर झुका कर बैठ गया जैसे अपने लिए सज़ा सुनने का मुंतज़िर हो। पता नहीं क्या हो गया है इस लड़की को। कितनी देर बाद एहसन उसे मुखातिब किए बगैर बताने लगे, जब से ये तुम लोगों के साथ कराची गई है इसकी यही कैफियत है। अम्मी ने बताया था कि वहाँ डर गई थी, तुम्हें पता है कि किस चीज़ से डरी थी? उमैर ने गुमसुम अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया था। बस यही खौफ है उसे कि कहीं मैं उसे छोड़ ना दूँ। मेरी लाख यकीन दहानियों के बावजूद परेशान रहती है, क्या ख्याल है किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले चलें? उन्होंने पूछा तो उमैर अपनी जगह पहलू बदल कर बोला, नहीं भाई, ऐसी हालत में इन्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना ठीक नहीं है। उमैर का इशारा उसकी प्रेगनेंसी की तरफ था। उन्होंने समझ कर पुरसोच अंदाज में सर हिलाया, फिर कहने लगे, ऐसा करो तुम अम्मी को यहाँ ले आओ, ये अकेली होने की वजह से ज़्यादा घबराती है। अम्मी फ़ौरन तो नहीं आ सकती क्योंकि उधर आयशा आई हुई है और डिलीवरी तक अम्मी के पास रहेगी, आप इनकी वालदा को क्यों नहीं बुला लेते? उमैर ने अम्मी की मजबूरी बताकर कहा तो उन्होंने कुछ बेध्यानी में सर हिलाया क्योंकि उसे देखने लगे थे, जो गालिबन होश में आ रही थी। फिर उठकर उसके करीब चले आए और आहिस्ता आहिस्ता उसका गाल थपक कर पुकारने लगे, रोमेल रोमेल मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेज रहा, तुम यहीं रहोगी मेरे पास। वो इतने सारे लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, उनके हाथों में पत्थर हैं, मार डालेंगे मुझे। उसके होठों से अल्फाज टूट रहे थे। उन्होंने कुछ परेशान होकर उमैर को देखा तो वो फ़ौरन उठकर बाहर निकल गया। रोमेल होश में आओ, कुछ नहीं, कोई नहीं मार सकता तुम्हें। वो फिर उस पर झुक गए। उसने धीरे से आंखें खोली, वो शैतान चला गया। कौन? उमैर? एहसन बेसाख्ता मुस्कुराए, तुम उमैर को शैतान कह रही हो? वो अगर सुन लेता तो बहुत बुरा मानता। चलो उठो, अपने कमरे में चल कर लेटो। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। कम ऑन यार, मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा भला? अपने कमरे में चलने की बात कर रहा हूँ। खैर, अब वो भी नहीं करूँगा। उसके साथ ही वो उसे बाजुओं पर उठाकर कमरे में ले गए थे। एहसन उसकी अम्मी को बुलाना चाहते थे लेकिन इत्तफाक से उन्हीं दिनों छोटे भाई की शादी तय हो गई तो वो खुद उसे लेने आ गए और उनके साथ जाने पर उसने कोई एतराज़ नहीं किया बल्कि खुशी से तैयार हो गई, जिस पर एहसन को ताज्जुब ज़रूर हुआ लेकिन टोका नहीं क्योंकि वो उसे किसी भी तरह खुश देखना चाहते थे। छोटे भाई की शादी में अभी 15 दिन थे और उन्होंने उस पर भी एतराज़ नहीं किया कि वो इतने दिनों के लिए क्यों जा रही हैं, बल्कि उसकी खुशी देखते हुए शादी के लिए अच्छी खासी शॉपिंग कराई और मज़ीद अखराजात के लिए रकम देकर भेजा था। घर आकर वो अम्मी भाभी और खसूसन मुन्ने के साथ और भी बहल गई थी, सारा वक्त उसके साथ लगी रहती क्योंकि और कोई काम अम्मी उसे करने नहीं देती थी। 4-5 दिन इसी तरह गुजर गए। यहीं उसका ससुराल था। एक दो बार अम्मी ने कहा भी कि वो अपनी सास से मिल आए लेकिन उसने साफ कह दिया था कि जब एहसन आएंगे तब जाएगी। उसकी ये बात अम्मी की समझ में नहीं आई और उन्होंने समझाने की कोशिश भी नहीं की। अपने तई वो बिल्कुल ठीक कर रही थी लेकिन उस रोज़ सुबह ही सुबह एहसन का फ़ोन आ गया
और इस तमाम अरसे में पहली बार वो उस पर खफा हुए। क्या तुम्हें ख़ास तौर पर यह समझाने की ज़रूरत थी कि तुम अम्मी के पास भी ज़रूर चली जाना? उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनकी बहू वहाँ है। आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर किसके साथ जाऊँ, यहाँ सब मसरूफ़ हैं, वो उनकी खुफकी से खाइफ होकर बोली। तुम फ़ोन कर देती, उमैर तुम्हें ले जाता। उनके लिए उसका उज़र काबिल कबूल नहीं था। उमैर इसी काम के लिए रह गया है क्या, वो चिढ़ गई। मुझे नहीं अच्छा लगता, कल को उसकी बीवी आ जाएगी तो वो भी एतराज़ करेगी कि वो किस हिसाब से मेरी नौकरी कर रहा है। इसमें नौकरी की क्या बात है? बिल्कुल है, मुझे मैके या किसी भी जगह लाने या ले जाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। बहरहाल मैं आजकल में अम्मी या अगर छोटे भाई फारिग हुए तो उनके साथ चली जाऊँगी। उसके रूठने पर एहसन ने ना सिर्फ अपना लहजा बल्कि मौजू ही बदल दिया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, वो हनूस मुँह फुला कर बोली। और मजाज? वो उनकी मुस्कुराहट महसूस करके बोली, बहुत ख़राब। ओके, जब मजाज ठीक होगा तब बात करूँगा, खुदा हाफिज़। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया तो कुछ देर उनकी गंभीरता में खोए रहने के बाद जब उसे ससुराल जाने का ख्याल आया तो उसकी वही कैफियत हो गई, परेशान सहमी हुई सी, कभी इधर जाती कभी उधर। गालिबन उसके लाशऊर में एक खौफ जड़ पकड़ गया था और जहां उस घर में उमैर का नाम आता वो उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेता। दोपहर में अपना ध्यान हटाने के लिए वो मुन्ने को लिए भाभी के कमरे में आई तो उसे सोते देखकर मायूसी से वापस पलटने लगी थी कि भाभी ने पुकार लिया। वो जाए नमाज पर बैठी थी, उसे रुकने का इशारा करके बकिया नमाज में मसरूफ़ हो गई तो वो बहुत सुस्त रवि से बैठ के करीब जा खड़ी हुई थी और सोए हुए मुन्ने को देखने लगी। फिर कुछ उकता कर वहाँ से हटी और भाभी के करीब घुटने टेक कर बैठी और कभी उनके दुआ के लिए उठे हुए हाथों को देखती, कभी उनके होठों को। फिर एकदम कलाइयाँ थाम कर आजिज़ी से बोली, भाभी मेरे लिए दुआ करें। भाभी ने बस एक नज़र उसे देखा, फिर जब नमाज से फारिग हो गई तब कहने लगी, तुम नमाज पढ़ा करो, अल्लाह ने तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं दी, फिर भी तुम मुस्तरी फिरती हो तो इसलिए कि तुम उस देने वाले का शुक्र अदा नहीं करती। आपको कैसे पता कि मैं मुस्तरीब रहती हूँ? ये सचमुच परेशान हो गई, तुम्हारा हर अंदाज जाहिर करता है। आज सुबह जब से एहसन का फ़ोन आया है तुम परेशान फिर रही हो, उन्होंने कुछ कहा है? भाभी ने हमेशा की तरह उसका हाथ थाम कर नरमी से पूछा तो उसने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। फिर क्या बात है? कोई बात नहीं भाभी, बस यूं ही अपने आप दिल घबराने लगता है, फिर अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, कभी अपने आप से नफ़रत महसूस होती है, कभी सारी दुनिया से। वो खोए खोए अंदाज में बोलने लगी थी। कभी खुद को पाताल में उतरा देखती हूँ, कभी आग में, हालांकि मेरे दिल में गुनाह का ख्याल तक नहीं था। फिर ये असीयत मेरे हिस्से में क्यों आई? शायद इसलिए कि मैंने आपको जुटलाया था, है ना? मुझे कब जुटलाया था तुमने? और ये तुम किस गुनाह की बात कर रही हो? भाभी ने उसका हाथ हिला कर पूछा तो वो एकदम होश में आकर परेशान हो गई कि पता नहीं अनजाने में क्या कह गई है। बताओ ना, भाभी के इसरार में कोई शक व शुबा नहीं था, जिससे वो कदरे मुतमईन होकर बोली, ये आपकी बड़ाई है भाभी कि आपने याद नहीं रखा, वरना मैंने आपके साथ खासी बदतमीज़ी की थी, जिससे यकीनन आपकी दिल आज़ारी हुई होगी, और किसी की दिल आज़ारी करना बड़ा गुनाह है ना? तुम बहुत सादा और बहुत हसास हो रोमीला, और ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का ना सिर्फ एहसास हुआ बल्कि तुम उस पर शर्मिंदा भी हो, और जिस गुनाह पर इंसान शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगे तो फिर वो गुनाह नहीं रहता। भाभी हल्के पुल्के अंदाज में उसे समझाते हुए कहने लगी, गो कि मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना, फिर भी अगर तुम्हें अपने इस्तराब और बेसकूनी का यही सबब नज़र आता है तो अव्वल तो मेरे सामने नदामत का इजहार करने से ही तुम्हारा वो गुनाह धुल गया है, और अगर तुम उस पर भी मुतमईन नहीं हो तो माफ़ी मांग लो। आप माफ़ कर देंगी? उसने बहुत सादगी से पूछा था। अल्लाह माफ़ कर देता है बड़े से बड़ा गुनाह, मैं क्या चीज़ हूँ? अब प्लीज़ तुम मुझसे माफ़ी मांगने ना बैठ जाना, क्योंकि मैं खुद बड़ी गुनाहगार हूँ और बहुत तौबा करती हूँ अल्लाह से, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला बहुत मेहरबान है। भाभी की इंतहाई आजिज़ी ने उसे भी रास्ता दिखा दिया था। इस मुख्तसर से अरसे में एहसन उसमें ये दूसरा इनकलाब देख रहे थे। पिछली बार जब वो कराची से आई थी तो बेहद खौफजदा, मुज़तरिब और किसी हद तक नफसियाती मरीज लगने लगी थी, और इस बार किसी पुरसकून नदी की मानंद उसके हर अंदाज में धीमापन और महसूस की जाने वाली नरमी सिमट आई थी। बोलने में, हंसने में और चलने में तो लगता था जैसे हर कदम सोच कर उठा रही हो।
फिर भी सुबक रवि में फ़र्क नहीं आया था। और जब नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ फैलाकर बैठी तो लगा था कि अपने अगले पिछले सारे गुनाह बख्शवा कर ही उठेगी। बहरहाल उसका यह इनकलाब बहुत खूबसूरत था जिसने एहसन को उसका पहले से ज़्यादा गर्विदा बना दिया था। इस वक्त वो अपने मूड में थे जब वो ईशा की नमाज से फारिग होकर उनके पास आकर बैठी तो कहने लगी, तुम्हारी दुआएं कुछ मुख्तसर नहीं हो सकती, वैसे इतनी देर तक क्या मांगा करती हो? माफ़ी, उसके एक लफ्ज़ में बहुत कुछ था और एहसन नादान नहीं थे, जब ही हैरान हो गए कि मुख्तसर जवाब के बाद उसने मज़ीद सवाल की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, अलबत्ता तायद किए बगैर नहीं रह सके। वाकई इंसान को माफ़ी और तौबा करते रहना चाहिए। फिर उसके बालों को हल्का सा झटका देकर बोले, चलो अल्लाह के हकूक तो पूरे कर आई, अब ज़रा उसके बंदे के हकूक का भी ख्याल करो। बंदे के हकूक ज़रा टेढ़े हैं इसलिए शट अप। उन्होंने उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। यूं ही वक्त गुजरता चला गया। वो पहले बेटे फिर बेटे की माँ बनकर अपनी जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से निभाने में लग गई थी। और ये नहीं था कि वो ससुराल से बिल्कुल नाता तोड़ बैठी थी। हर ईद बकरा ईद पर तो एहसन साथ लेकर जाते। इसके अलावा जब बच्चों की छुट्टियां होती तो अम्मी के बुलाने पर वो दोनों बच्चों को साथ लेकर चली जाती और आधी से ज़्यादा छुट्टियां उन्हीं के पास रहती। उसी की सिफारिश से उमर और फिज़ा की शादी हो पाई थी और वो दोनों भी खुश थे। बस ये था कि उसके और उमर के दरमियान एक दीवार खड़ी हो गई थी जिसे कभी कभी देखने वाले भी महसूस करने लगे थे। खसूसन फिज़ा तो टोकती भी ज़रूर थी, भाभी मेरा ख्याल है आप उमर से उम्र में छोटी ही होंगी लेकिन उनके साथ बिहेव यूँ करती हैं जैसे 10 गुना बड़ी हों। रिश्ते में तो बड़ी हूँ ना, इतनी भी नहीं कि वो आपको देखते ही बाअदब बामुलाहिज़ा हो जाते हैं। आई मीन देवर भाभी का रिश्ता तो यूँ भी खासा शोक चंचल सा होता है। मुझे तो हसरत है कि मेरा कोई देवर होता। अच्छा है नहीं है, उसने सोचा था। उमर के मिजाज में तो खासी शोखी और रंगीनी है, फिर आपको कैसे बख्श देते हैं। वो फिज़ा फिर उसी बात को लेकर आई थी। इतना तो वो एहसन भाई से भी नहीं डरते जितना आपसे। डरेगा क्यों, हाँ इज्जत करता है मेरी, वो खासी जुसबुस होकर बोली थी। इज्जत तो वो अपने से बड़े सबकी करते हैं लेकिन इस तरह अटेंशन किसी के सामने नहीं होते, फिज़ा ने कहा तो उसे जब्त करना मुश्किल हो गया था। तो तुम्हें इस पर एतराज़ है? कह दो उमर से कि मेरे सामने अटेंशन ना हो अगर। अरे आप तो पूरा मान गई, मेरा ये मतलब थोड़ी था। फिज़ा का अंदाज़ ऐसा था जैसे वो अपनी बात समझाने में नाकाम रही हो, हालांकि ऐसा नहीं था। सीधी सादी बात थी और वो समझ भी गई थी, लेकिन जवाब में उसे कैसे समझाएं कि ऐसा क्यों है, इसीलिए उलझ गई थी। और बस ऐसी ही बातें थीं जो उसे डिस्टर्ब कर देती थीं। कभी सोचने बैठती तो उसे लगता कि उसका गुनाह वो नहीं था जो रात की तारीकी में सरजद हुआ, क्योंकि उसमें तो एक उसके इरादे को दखल था ना ही नीयत को, दूसरा शैतान के आहनी शिकंजे में वो बेबस और मजबूर थी। उससे बड़ा गुनाह वो था जो उसने भाभी की बातें समझने की बजाय मफरूज़े कहकर सुनने से ही इनकार कर दिया था, फिर उनसे ज़िद भी बांध ली थी और सारी खराबी वहीं से शुरू हुई थी। रोज़ाना उनके सामने उमर के साथ निकल जाना, बेशक उसके दिल में बुराई ना सही, लेकिन ये क्या कम बुराई थी कि एक नामहरम पर आँखें बंद करके एतबार कर लेना। वो यकीनन इस बड़े गुनाह की तरफ जाने वाली पहली सीढ़ी थी जिस पर उसने भाभी की ज़िद में कदम रखा था, और अब उसके अंदर मलाल ही मलाल था कि काश उसने भाभी की बातें सुनी और समझी होती, फिर उन पर अमल पैरा होकर बेशक दोगली कहलाती लेकिन यूँ गुनाहगार ना होती। जैसा कि भाभी ने कहा था, तब वक्त गुजर चुका होता है और जो दूसरों के तजर्बात से नहीं सीखते उन्हें फिर अपना तजर्बा सिर्फ सिखाता ही नहीं रुलाता भी है, जैसे वो रोती थी। इन दिनों वो कराची आई हुई थी, बच्चों की सर्दियों की छुट्टियाँ थीं और इत्तफाक से ईद भी इन्हीं दिनों में आ रही थी, इसीलिए छुट्टियां होते ही एहसन ने अम्मी के बुलावे पर उसे बच्चों के साथ भेज दिया था और ख़ुद उन्हें हमेशा की तरह ईद से एक दिन पहले ही आना था। बहरहाल बच्चे दादी के पास आकर हस्पे साबिक बहुत खुश थे। उसकी बेटी मरियम और उमर की बेटी फराह में बस 2-4 दिन का फ़र्क था, जबकि उस्मान उन दोनों से बड़ा था और गालिबन पहला और इकलौता पोता होने के नाते दादी का बेहद लाडला भी था, और उन्हीं के लाड के बाइस यहाँ आकर कुछ ज़्यादा शरारतें करने लगता था। वो टोकती तो अम्मी उकता कर उसे टोक देती कि बच्चा है खेलने दो, जिससे वो जुसबुस होकर रह जाती। इस वक्त उसे बच्चों की ईद की शॉपिंग के सिलसिले में बाज़ार जाना था।
इस मामले में अब वो किसी की मोहताज नहीं रही थी, अलबत्ता उसे उमेर से गाड़ी लेनी थी। दोनों बच्चों को पहले तैयार करके उसने उस्मान से कहा कि वो चाचू से गाड़ी की चाबी ले आए। उसके साथ मरियम भी चाचू चाचू कहती हुई भाग गई तो वो जल्दी से अपने कपड़े उठा कर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद तैयार होकर निकली तो पहले अम्मी के कमरे में जाकर उन्हें अपने जाने का बताया, फिर इस ख्याल से कि उस्मान चाबी लेकर गाड़ी के पास पहुंच चुका होगा बाहर आई तो बरामदे की सीढ़ियों पर फिज़ा और उमेर बैठे नज़र आए। वो उनकी पुश्त पर थी इसीलिए बड़े आराम से उन्हें नज़रअंदाज करके लॉन में मरियम और फराह के पीछे भागते उस्मान को पुकारना चाहती थी कि इससे पहले फिज़ा ने उसे पुकार लिया। फिर अपने साथ बैठे उमेर से कहने लगी, उमेर तुमने गौर किया, एहसन भाई का बेटा उनसे ज़्यादा तुमसे मुशाबत रखता है। उफ, वो अपनी जगह सुन हो गई, ये फिज़ा क्या कह रही है। देखो ये हंसता बिल्कुल तुम्हारी तरह है, इसके होंठों की तराश, इसकी नाक, बस सिर्फ आंखें एहसन भाई जैसी हैं, बाकी सब अंदाज भी तुम्हारे जैसे हैं। मुझे तो ये एहसन भाई से ज़्यादा तुम्हारा। शट अप, उमर बड़ी ज़ोर से चीख कर उठ खड़ा हुआ और जिस तेज़ी से पलटा उसे देखकर उसी तेज़ी से दोबारा उसी जगह ढह गया। तो वो फौरन संभल कर आगे आती हुई बोली, फिज़ा सोच समझ कर बोला करो। उसके ठहरे हुए लहजे में सख्त तंबीह थी, कोई गलत बात कही मैंने? क्या उस्मान उमर से मुशाबत नहीं रखता? और इसमें कोई अनहोनी बात भी नहीं है, चचा भतीजा है, एक ही खून। फिज़ा ने यूँ कंधे उचका कर कहा जैसे उन दोनों का रवैया उसकी समझ में ना आ रहा हो। उमेर गाड़ी की चाबी दो। वो फिज़ा की बात नज़रअंदाज कर गई और चाबी लेते ही बच्चों को इशारा करती बरामदे के स्टेप उतर आई, क्योंकि मज़ीद एक पल नहीं ठहर सकती थी। उसका जहन बुरी तरह मुंतशिर हो गया था और अंदर ऐसा शोर था कि बाहर की कोई आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। बच्चे शहर की रौनकें देख कर खुश हो रहे थे और उससे जाने क्या क्या सवाल कर रहे थे। वो बस हूँ हाँ में सर हिलाती रही, शॉपिंग भी ढंग से नहीं कर सकी। पता नहीं और कितने अजाबों से गुजरना था उसे, उससे तो अच्छा था कि पहले मुकाम पर संसार हो जाती। शाम में वो सोए हुए उस्मान को यकटुक देखे जा रही थी जब फिज़ा पुकारती हुई अंदर आकर बोली, भाभी वो गाड़ी की चाबी दे दे, सुबह उमेर को ऑफिस जाना है। उसने यूं ही गुमसुम अंदाज में टेबल की तरफ इशारा कर दिया तो फिज़ा चाबी उठाकर जाते जाते ख्याल आने पर पलट कर उसके पास बैठती हुई बोली, अपनी शॉपिंग तो दिखाएं। कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की क्योंकि बच्चे तंग करने लगे थे, एक दो दिन में उन्हें छोड़ कर जाऊँगी, उसने कदरे रुक कर कहा। साथ ही शॉपर उठाकर फिज़ा को थमा भी दिया, जिस पर झांकने और हाथ मारने के बाद फिज़ा कहने लगी, सुना है कोयटा में अच्छा कपड़ा मिलता है, आप वहाँ से क्यों नहीं लेती? बच्चों की वैरायटी यहाँ ज़्यादा है। अच्छा, मैं सोच रही थी आपके पास कोयटा आऊँगी तो बहुत सारी शॉपिंग करूँगी। आप उमेर से कहें ना मुझे लेकर आएँ आपके पास, मैं जब कहती हूँ टाल जाते हैं, शायद आपकी बात मान लें। फिज़ा को कोयटा जाने का इश्तियाक था। उमेर नहीं लेकर आता तो तुम अम्मी के साथ आ जाओ या हमारे साथ चलना, वो उसके इश्तियाक को देख कर बोली थी। ये हो सकता है लेकिन मैं उमेर के साथ आना चाहती हूँ, फिज़ा ने कहा तो वो क्यों कहते कहते रह गई, फिर मुस्कुरा कर बोली, अच्छी बात है, मैं उमेर से कहूँगी तुम्हें ले आए। मुझे यकीन है वो आपकी बात नहीं टालेंगे, काश आप यहाँ रहती होती तो आपके ज़रिए मैं उमेर से अपनी हर बात मनवा सकती थी। फिज़ा हंसती हुई उठकर चली गई और वो उसके लहजे पर गौर करती रह गई थी, जाने वो सादगी में कह गई थी या जता गई थी। फिर अगले रोज़ वो बच्चों को लेकर अम्मी के यहाँ चली गई और जब ईद से एक रोज़ पहले एहसन आए तब उनके साथ वापस आई थी। इस बार अम्मी उनके पीछे पड़ गईं कि अब उन्हें कराची आ जाना चाहिए या फिर बच्चों को यहाँ सेट कर दें। फिलहाल ईद की शाम आयशा आई तो वो भी यही कह रही थी, उसे लगा जैसे सब पहले से तय करके बैठे हों कि मिलकर एहसन को घेर लेंगे, और इससे पहले कि वो सबके सामने हथियार डालते वो बोल पड़ी, बहुत मुश्किल है हमारा यहाँ आना क्योंकि मेरे बच्चों को यहाँ की आबो हवा रास नहीं आती। कुछ अरसा प्रॉब्लम होगी भाभी, फिर सब सेट हो जाएंगे, आयशा ने कहा तो उसने साफ मना कर दिया, नहीं मेरा ख्याल है हम वहीं ठीक हैं और कोई इतनी दूर भी नहीं है जो यहाँ आने के लिए साल भर प्लानिंग करनी पड़े, जब अम्मी बुलाती हैं आ जाते हैं। वो वही कह रही थी जो एहसन चाहते थे और वो यही समझे कि वो उनकी तरफ से बोल रही हैं, इसीलिए खुद इत्मीनान से बैठे रहे। कितना बहुत सारा वक्त गुजर गया था, उसने एहसन के साथ बज़ाहिर बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजारी थी, बज़ाहिर यूँ कि उसके अपने अंदर हमेशा खलिश रही थी जिस पर वक्त भी असर अंदाज नहीं हुआ था,
शायद इसलिए कि वक्तन फवक्तन कोई ऐसी बात हो जाती जो उसके सुकून में तलातुम बर्पा कर देती, जैसे शादी के 12 साल बाद एहसन ने अपने तई उसे खुशखबरी सुनाई थी कि उन्हें प्रमोट करके हेड ऑफिस भेजा जा रहा है, लिहाजा अब वो मुस्तकिल कराची में रहेंगे। तो उस पर उसने एक हंगामा खड़ा कर दिया था। हालांकि इस वक्त वो कराची जाने से खौफजदा नहीं हुई थी, लेकिन मुस्तकिल वहाँ रहने के ख्याल ने उसे परेशान कर दिया था। बड़ी मुश्किल से वो एहसन को ये समझा पाई थी कि कराची के हंगामों से उसे घबराहट होती है, फिर फिज़ा की आलूदगी उसे बीमार कर देती है, वो ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रह सकती। फिर 3-4 साल के बाद उसके बेटे उस्मान ने शोशा छोड़ा कि उन्हें दादी के पास रहना चाहिए, जिस पर उसने कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन बड़ी सहूलत से मरियम के ग्रेजुएशन करने तक टाल गई थी। गो के अब उसे कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन ख़दशा मौजूद था। एक घर में रहने से उसका या उमैर का कोई भी अंदाज़ एहसन को चौंका सकता था। जैसे फिज़ा टोकती थी और आयशा ने तो 2-3 बार हैरान होकर पूछा था, आपकी उमैर भाई के साथ लड़ाई हुई है क्या? नहीं, उसने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में कहा था। फिर क्या बात है? जब वो आपको देखते हैं कतरा कर निकल जाते हैं, और आपको भी मैंने उनसे बात करते हुए नहीं देखा। आयशा को मुतमईन करने में उसे कितनी मुश्किल हुई थी ये वो ही जानती थी, और एहसन के सामने तो यूं बातें बनाकर वो उन्हें मुतमईन कर ही नहीं सकती थी। उनसे कुछ बईद नहीं था कि वो उसे और उमैर को सामने बिठाकर दोनों का मसला पूछने बैठ जाते। बहरहाल अपने तौर पर उसने सोच लिया था कि जब उस्मान की शादी का वक्त आएगा तब अलग घर की ज़रूरत का एहसास दिलाकर वो कराची सेटल होने पर आमादगी जाहिर कर देगी, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं था। उस्मान इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था और एहसन अभी से जॉब के लिए हाथ पांव मार रहे थे। इन दिनों भी वो इसी सिलसिले में कराची गए हुए थे, 3 दिन का कहकर गए थे, और आज 4th दिन था जब ही तशवीश का इजहार करने के बाद उसने उस्मान को फ़ोन करके मालूम करने का कहा तो वो कुछ सुस्ती से बोला, मम्मी आप खुद कर लेना, वैसे आपको परेशानी क्या है, पापा दादी के पास आराम से होंगे। आराम से होते तो फ़ोन ज़रूर करते, उसने कहा कि मरियम फौरन उठते हुए बोली, मैं मालूम करती हूँ मम्मी, उस्मान भाई तो बस ऐसे ही हैं। हाँ कह दो, मुझे पापा से ज़रा मोहब्बत नहीं, ज़रा सी तो है। मरियम हंसती हुई भाग गई तो उसने पहले उस्मान को जल्दी सोने की ताईद की, फिर मरियम के पीछे आई और रुककर उसे फ़ोन पर एहसन से बातें करते हुए सुनने लगी। जब वो फ़ोन बंद करके उसकी तरफ पलटी तब उसने पूछा, कब आ रहे हैं? कल शाम में, कह रहे थे उनका काम तो हो गया था लेकिन दादी ने रोक लिया, और अभी वो खुद फ़ोन करने वाले थे, मरियम बताकर यूं देखने लगी जैसे और कोई काम। अच्छा, अब तुम्हारा स्टडी का प्रोग्राम तो नहीं है? उसने घड़ी देखकर पूछा। नहीं, सोऊंगी आपके साथ, मरियम ने कहा तो वो उसे लाइट ऑफ करने का कहकर अपनी जगह पर जा लेटी। कोई कहानी सुनाए मम्मी, मरियम लाइट ऑफ करके उसके पास लेटती हुई बोली, तो उसकी बचकाना फरमाइश पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई। अब तुम बच्ची नहीं हो, चलो सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, कॉलेज जाओगी ना? जी। मरियम ने बहुत सआदतमंदी से उसके कंधे पर पेशानी टिकाकर आंखें बंद कर लीं तो उसे थपकते थपकते वो खुद ही सो गई थी। सुबह दोनों बच्चों के जाने के बाद उसने हस्पे मामूल पहले मासी से घर की सफाई करवाई, फिर उसे सोदा वगैरह लाने बाज़ार भेजकर अपने लिए चाय बनाने की गर्ज से किचन का रुख किया कि फ़ोन की बेल बजने लगी। उसने आकर रिसीवर उठा लिया। हेलो जी, मैं उमैर। उधर से उमैर ने कहा कि उसने रूखे अंदाज में पूछा, क्या बात है, वो बच्चे कहाँ हैं, उस्मान और मरियम? उमैर के मोहतात अंदाज पर वो ठिठक कर बोली, कॉलेज गए हैं। क्यों? मुझे उनसे नहीं आपसे बात करनी है, एहसन भाई अभी यहाँ से रवाना हुए हैं, मैंने सोचा आप अकेली होंगी तो। उमैर झिझक रहा था, या शायद उसे अपनी बात कहने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो कुछ नागवारी से उसके मजीद बोलने का इंतज़ार करने लगी। ऐसा है कि रात अम्मी ने हम भाइयों के सामने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार करके मुझे परेशान कर दिया है। उमैर कदरे तोकफ से गोया हुआ था। आप सुनेंगी तो आप भी परेशान होंगी, लेकिन परेशान होने से तो मसला हल नहीं होगा, तुम असल बात बताओ। उसने तमहीद से उकता कर टोका तो उधर वो जल्दी से बोला, अम्मी उस्मान और फराह की शादी की बात कर रही हैं। फिर वो तिनक कर बोली, इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम्हें अगर एतराज़ है तो साफ मना कर दो। मेरे पास मना करने का कोई जवाब नहीं है, इसलिए कि मेरी एक नहीं 3 बेटियाँ हैं, और तीनों में से किसी एक की भी शादी उस्मान के साथ नहीं हो सकती। वजह मैं बताऊं भाभी बेगम या? उसके हाथ से रिसीवर छूट गया और वो खुद भी गिरने को थी। बमुश्किल सोफ़े की बैग थाम कर खुद को सहारा देकर बिठाया
और खौफ ज़दा नज़रों से इधर उधर झूलते रिसीवर को घूरने लगी। उसका जहन माउफ था और अंदर दूर तक सन्नाटा। उमैर मर्द था। सारा बोझ उसके कंधों पर डालकर खुद यकीनन आराम से हो गया होगा कि अब बाकी जंग उसे लड़नी है, और वो कहाँ तक लड़ेगी। फराह के लिए मना करेगी तो अम्मी शहर का नाम ले देंगी। उसके बाद किरण थी, और वो उस घर की सारी लड़कियों को रिजेक्ट करने का क्या जवाब पेश करेगी। मेरे खुदा, उसने दुखते हुए सर को दोनों हाथों में थाम लिया। इस उम्र में किसी रसवाई से पहले मुझे मौत दे दे। बीबी, ये सौदा। मासी की आवाज़ पर उसने सर उठाए बगैर उसे किचन में जाने का इशारा कर दिया। उसके बाद सारा दिन वो जले पैर की बिल्ली की तरह इधर से उधर चकराती रही थी। उस्मान कॉलेज से लौटा तो खाना खाते ही कहीं निकल गया था, और मरियम हस्बे मामूल सो गई थी। अहसन का उसे पता था कि वो सीधा ऑफिस गए होंगे और शाम में ही घर आएंगे। उनके आने तक वो चाहती थी इस टेंशन से निकल जाए, लेकिन हर कोशिश में नाकामी ने उसे मज़ीद तोड़ दिया था। जब मरियम सोकर उठी, वो बुखार में जल रही थी। आप यकीनन सर्दी में बाहर निकली होंगी बगैर गर्म कपड़े के, मरियम ने चाय का कप उसे थमाते हुए कहा तो वो खोए खोए अंदाज में बोली, नहीं, मैं तो सारा दिन अंगारों पर चलती रही हूँ। देखो मेरे पैरों में कैसे आबले पड़े हैं। मम्मी, आप बुखार में पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। देखें, पापा आ रहे हैं, आप जल्दी से चाय पी लें, फिर वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मरियम अहसन की गाड़ी की आवाज़ सुनकर जल्दी जल्दी बोलती हुई उठ खड़ी हुई, और जैसे ही अहसन अंदर आए, सलाम करने के साथ कहने लगी, तैयार हो जाएं पापा, मम्मी को बुखार है, और आपको पता है ऐसी हालत में वो कैसी बातें करती हैं। क्या हुआ है इन्हें? अहसन ब्रीफ केस मरियम को थमा कर उसके पास चले आए। रात फ़ोन पर तो मरियम ने तुम्हारी तबीयत का नहीं बताया था, कब से है बुखार? डॉक्टर को दिखाया? नहीं, सुबह तक ठीक थी, वो उनसे नज़रें नहीं मिला पाई तो कप रखने के बहाने इधर उधर देखने लगी। लाओ मुझे दो। उन्होंने कप लेकर ट्रे में रखा, फिर पूछने लगे, डॉक्टर के पास चलोगी या उसे यहीं बुला लाऊं? इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं टैबलेट ले चुकी हूँ, मामूली बुखार है, इससे उतर जाएगा। उसके साथ ही मरियम को पुकार कर उनके लिए चाय लाने का कहा तो वो चाय की नोट ढीली करते वार्डरोब खोल कर पूछने लगे, उस्मान कहाँ है? किसी दोस्त के यहाँ गया है, आता होगा। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चले गए। कुछ देर बाद उधर वो निकले, उधर मरियम उनके लिए चाय लेकर आ गई तो उससे कहने लगे, बेटा अपनी मम्मी के लिए सूप बना दो, और हाँ, मेरे ब्रीफ केस में एक पैकेट है आपके लिए, फरा ने दिया है, निकाल लो। और पापा, सब लोग कैसे हैं वहाँ? मरियम ने रुक कर पूछा। सब ठीक हैं, अलबत्ता आपके चाचू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अहसन मरियम को जवाब देकर उसकी तरफ मतवज्जा हो गए थे, जब ही मरियम ने कोई सवाल मजीद नहीं किया और कमरे से निकल गई। मेरा ख्याल है तुम डॉक्टर को दिखा दो, कहीं रात में परेशानी ना हो। उसने कुछ कहने की बजाय कंबल अपने ऊपर यूं खींचा जैसे उसका कहीं जाने का मूड ना हो, और अहसन समझ गए इस वक्त वो कुछ नहीं सुनेगी, अगर ज़्यादा कुछ कहा तो नाराज़ भी हो जाएगी, इसीलिए मौजू बदल कर इधर उधर की बातें करने लगे। और जो बात वो सुनना चाहती थी वो उन्होंने रात के खाने के बाद जब बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए तब की थी। अम्मी की ख्वाहिश है कि हम उस्मान के लिए उमैर की कोई एक बेटी ले लें, मेरे लिए तो वो तीनों बच्चियां एक सी हैं, इसीलिए मैंने इंतखाब तुम पर छोड़ दिया है। मेरे खुदा, उसने पेशानी घुटनों पर रख ली, जिस गुनाह का मेरे दिल में ख्याल तक नहीं था उसकी सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? मैं जानता था इंतखाब करने में तुम भी चकरा जाओगी, चलो उस्मान से पूछ लेते हैं। वो महजूस अंदाज में कहते हुए गालबन उस्मान को बुलाने चले गए थे। इलाही, 24 बरसों में मैं हर पल माफ़ी और तौबा के दरवाज़ों पर दस्तक देती रही हूँ। भाभी ने तो कहा था इसके बाद गुनाह धुल जाते हैं जैसे सरजद ही ना हुए हों, बशर्ते कि इंसान उसी पर कायम रहे, और मैं कायम भी रही, फिर मेरे लिए रसवाई का सामान क्यों हो रहा है? उसकी पलकों से कतरा कतरा आंसू गिरने लगे थे, जिन्हें उंगलियों पर समेट कर उसने सर ऊंचा किया था कि अहसन उस्मान के साथ अंदर आते हुए नजर आए। लो भाई, आ गया है तुम्हारा बेटा, इससे पूछो। उसकी नज़रें दोनों में से किसी एक पर भी नहीं ठहर रही थीं, जबकि दिल पुकार पुकार कर कह रहा था कि ये उसी शख्स का बेटा है जिसके पहलू में खड़ा है। क्या प्रॉब्लम है पापा? उस्मान ने उसकी नज़रों से उलझकर पूछा तो उसके प्रॉब्लम कहने पर अहसन ज़रा सा हंसे, फिर उसे उसकी दादी की ख्वाहिश बताकर तीनों लड़कियों में से इंतखाब करने को कहा तो वो कंधे उचका कर बोला, नो पापा, आई एम सॉरी, मुझे उन लड़कियों में से किसी का इंतखाब नहीं करना, क्योंकि मैं पहले ही अपना लाइफ पार्टनर मुंतखब कर चुका हूँ। वॉट? अहसन बेयकीनी से बेटे को देख रहे थे, और वो यकीन की मंजिलें तय कर रही थी कि उसकी माफ़ी, तौबा
बरगाह इलाही में कबूल होकर उस रात की स्याही पर पर्दा डाल गई है। बहुत हल्की फुल्की होकर उसने बैग पर सर रख कर पलकें मूंद ली और दिल ही दिल में उन बातों को दोहराने लगी जिनकी उसे सारी नादान लड़कियों को तालीम देनी थी। देवर बिल्कुल भाइयों की तरह होता है, भाई लगता है लेकिन वो भाई होता नहीं है, शैतान होता है। और अगर किसी नादान लड़की ने उसे जुटलाने की कोशिश की तो इसी तरह संसारी के अजाब सहती रहेगी तावक्त ये के ऊपर से माफ़ी का ऐलान हो जाए। रोमेल, एहसन के पुकारने पर उसने पलकों के दर खोल कर उन्हें देखा तो वो उसी बेयकीनी की कैफियत में बोले, सुना तुमने ये उस्मान क्या कह रहा है? आप ही का बेटा है, वो यकीन से कहकर मुस्कुराई थी। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दैट वॉज़ दी एंड ऑफ सच अ मॉरल स्टोरी, एक दुआ ने बचा लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नावल बहुत पसंद आया होगा और इस नावल के पीछे जो मॉरल लेसन हम सबको सिखाना मकसद था, उम्मीद है कि हम सब ने सीखा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।